भाइयों बहनों, इस बोरा रेस खेल प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने आए आप सभी को मेरा नमस्कार। एक भी दर्शक नहीं आया, अभी देखो ना। अब कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, सभी प्रतियोगी अपना नाम रजिस्टर में लिखवा ले। मेरा नाम गायत्री है। इस प्रतियोगिता के लिए सहयोग राशि देने वाले का नाम है मुन्ना भाई और मंच के लिए राशि देने वाले का नाम है पुनीत भाई और संयोजक है अहमदनगर के बिटी रवि। बिटी रवि, बिटी रवि। बिटी रवि कौन है? अरे पागल, मैं ही हूँ। सलाम मुंबई, बोलिए। सिर्फ खेल प्रतियोगिता ही काफी है क्या? हमें प्रोत्साहित कौन करेगा बोलो? हे, ये क्या बोल रहा है? ओए, दर्शक के नाम पे यहाँ मक्खी और मच्छर भी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? ओए, अपनी गली में खेल प्रतियोगिता क्यों रखी तूने? क्या बाजू वाली गली में सचिन तेंदुलकर आया है? सचिन आए? ये बेमतलब की बात क्यों कर रहे हैं? और साथ में ऐश्वर्या राय भी आई हुई है। अभिषेक को पता है? अरे हरीश, बगल वाली गली में ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर आए हैं। ये क्या हरीश, जब अभिषेक ने बोला है तो बात पक्की होगी ना? अभिषेक ने बोला है तो ये खबर झूठ नहीं हो सकती। बस स्टॉप, 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 सब चल के ऐश्वर्या राय से मिलते हैं। चलिए जल्दी चलिए, प्रतियोगी दौड़ने के लिए तैयार। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। आ दर्शक आ गए, जोर से बजाओ ताली। दौड़ गया, दौड़ गया, दौड़ गया। बोरा दौड़ प्रतियोगिता में केसी स्कूल के छात्र छात्राएं दौड़ रहे हैं। इनमें से गायत्री पीटी उषा की तरह दौड़ कर स्कूल का नाम रोशन करने वाली है। देखिए सूर्य मिलन भैया आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और गायत्री भी कम नहीं, वो मिलन को हराने के लिए कोशिश कर रही हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई, सातवीं कक्षा की गायत्री प्रथम स्थान पर पहुँच गई है। तालियां। प्रथम पुरस्कार सुश्री गायत्री, द्वितीय पुरस्कार मिलन भैया। अरे यार मान गया, आखिर तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाकर अपनी गली की इज्जत की। क्या ये तो अपन की इज्जत का सवाल है। हाँ, अरे बबुआ, तुमने कहा था सचिन ऐश्वर्या आए हैं, यहाँ आके देखा तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। सर बात ये अरे है। यार, इनसे मैं डील करता हूँ, तू टेंशन मत ले। सचिन ग्राउंड में और ऐश्वर्या राय स्क्रीन पे जो डांस करती है वो ये यहाँ करके दिखाएंगे। अरे अबू ने ऐसा बोला नहीं। हंस गए, अब जरा हटना। देख भाई, ये पब्लिक की प्रॉब्लम है, जरा दिमाग से काम लेना। अच्छा तो चलू मैं, चलो दोस्तों। अरे 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 यार, फंस गया ना। मस्त छोरा है। छोरा अपन अब तो गया काम से, काम से, काम से। मस्त छोरा अपन अब तो गया काम से, काम से, काम से। यारों का मैं यार हूँ, दुश्मनों का दुश्मन हूँ, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए। टपोरी हम नहीं है, टपोरी हम नहीं है, इतना जान लो कि हम किसी से कम नहीं है।
धरती गोल गोल घूमती है, वर्षा भी नहीं है धूप भी नहीं भैया, फिर भी इंद्रधनुष आज मेरी आंखों में मस्त मस्त छोरा अपन अब तक गया काम से, काम से काम से मस्त मस्त छोरा अपन अब तक गया काम से। होकर आप अपनी शक्ति को जवानी में खोकर ही बूढ़े हो जाते हैं। मैं एक उपाय बताता हूँ, इससे आपको बचाने की जिम्मेदारी केवल मेरी है। मैं आपके पाजी मैंने पापा जी जैसा हूँ, इधर उधर भटकने के बजाय आपको सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं आपकी हिफाजत करूँगा। ताकत होगी तभी तो दिखा पाओगे ना, शक्ति होगी तभी तो मजा लूट सकोगे ना, घोड़ा होगा तभी तो लगाम खींच पाओगे ना। उसी तरह जब हम अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएंगे तो तभी अपने परिवार के वृक्ष को वंश की बेल को आगे बढ़ा पाएंगे ना। ये तो पागल है। ये सब जानते हुए भी अगर मैं आपको नहीं रोक सका तब तो आपको मुझ पर गुस्सा अवश्य ही आएगा ना। सर क्या आप ये सोचते हैं कि आजकल के नौजवान भटक गए हैं? भटक गए हैं लेकिन सुधर सकते हैं। विज्ञान फैशन और स्टाइल के नाम पर जो जी में आए पीते हैं और खाते हैं, उल्टा सीधा खाकर जब शरीर में शक्ति नहीं रहती तो तड़प तड़प कर आहें भरते रहते हैं। मैडम ये शक्ति शक्ति कह रहे हैं, किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम में शक्ति नहीं है। ओह अरे ना मुरादों, तुम्हारी ही कमजोरी के कारण हमारी बहनें तुम्हारी शिकायत हमसे कर रही हैं। लेकिन मेरी परंपरा ऐसी परंपरा नहीं है। मेरे परदादा की 5 बीवियां और 35 बच्चे थे, मेरे दादा की 4 बीवियां और 24 बच्चे थे, मेरे पिताश्री राजवैद्य शिवलाल जी के 4 बीवियां और 14 बच्चे थे, घर पोल्ट्री फार्म से बड़ा था। मुझे तो लग रहा है कि वो सामा बिन लादेन के बाप हैं। नॉनसेंस। ए नॉनसेंस, तू अपना काम कर। और मेरे 10 बच्चे हैं, सब शेर की तरह दहाड़ते हैं। मेरी तीसरी पत्नी 58 साल की है और जो गर्भवती है। कैसे आखिर ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हम अपनी परंपराओं को आज तक निभाते जो आ रहे हैं। सुनो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, शराफत से मेरे पास चले आओ, तुम्हारी कमजोरी दूर कर दूंगा। खाम खाम अपनी नामर्दी से औरतों की जिंदगी मत खराब करो, ये मेरी गुजारिश है तुम सबसे। बहनों पर तरस खाओ, खुद को मर्द बनाओ, मर्द बनकर तुम समाज की परेशानी दूर कर सकते हो। आप अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अतः आपको कोई भी संदेह है? हिंदुस्तान की जनसंख्या को आगे बढ़ाने में इस रामलाल का भी हाथ है, सबसे पहले इसको अंदर करना चाहिए। ये मत भूलिए कि इन्हीं के प्रोग्राम से टीआरपी रेटिंग ज्यादा हो गई है। तुम कुछ नहीं जानती। हेलो, मैं शोलापुर से सुंदरी बोल रही हूँ। हाँ कहो ना। देखिए मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरी गोद सूनी ही है, तानों से तंग हो गई हूँ। वैद्य जी से कब मिल सकती हूँ? पहले ताना देने वालों को मार के आओ, फिर देखेंगे। थैंक्स दीदी। थैंक्स
नहीं मैडम, वो विदेश यात्रा पे गए हैं। आप उन्हें मोबाइल पे कॉल कीजिए। उनका नंबर है 98412 95575। किसका नंबर है ये? वो डॉक्टर पहले से ही लड़कों को खराब कर चुके हैं। अब एक नई लेडी क्लाइंट फोन कर रही है इसलिए मैंने अपना पुराना नंबर दे दिया। किसके पास है? जिसके पास भी, हमें क्या लेना देना। तू आ बचा ले, बचा ले। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? हेलो हेलो, मैं शोलापुर से सुंदरी बोल रही हूँ। शोलापुर से सुंदरी? मेरी शादी हो गई है। अरे रे, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बच्चे नहीं है। सुना है कि आप इसका इलाज करते हैं। ए, ये क्या बोल रही हो? मैं वहाँ अकेली आऊँ या अपने पति के साथ आऊँ? कोलापुर सुंदरी? अरे नहीं नहीं, शोलापुर सुंदरी। तुम्हें कौन चाहिए? सिद्ध वैद्य रामलाल आप ही है ना? सिद्ध वैद्य रामलाल? मैडम आपको कौन सा नंबर चाहिए? 98412 95575। ये नंबर सही है ना? नंबर सही है, लेकिन आप जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ। यही नंबर दिया था और आप इनकार कर रहे हैं। उसी से पूछना जिसने नंबर रखा। पूरा ये गुस्ताखी किसकी है? वो पिज्जा है। फोन कब किया था और अब आ रहे हो? नौकरी ज्वाइन करते वक्त तो ठीक थे, अब क्या हुआ तुम लोगों को? सब ठीक ठाक लाए हो ना? आओ अंदर आओ, आओ। अरे ये सब क्या है? कूड़ा है भाई। कूड़ा यहाँ क्यों डाल रहे हो? कौन हो तुम? पागल तो नहीं हो? साहब जी, कूड़े को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि बीच सड़क में। सड़क किस लिए है? चलने के लिए है ना? सड़क में नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे? गुड क्वेश्चन। क्या ये आप देख रहे हैं ना? हाँ देख रहा हूँ। डस्टबिन है वो साहब जी। आहा, कूड़ा इसी में फेंकना चाहिए। ऐसा क्या? इसलिए इसे यहाँ रखा है। ओहो, तुम कानून के रखवाले हो, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। सारा कसूर मेरी बेटी का है। मेरी बात तो सुनती नहीं और टाने मुझे सुनने पड़ते हैं। बेटे आज से कूड़ा डस्टबिन में डालेंगे, तुम जाओ। सर, सब कुछ उसी में नहीं डालना चाहिए, उसमें भी एक लॉजिक है। बेकार कूड़ा और अच्छा कूड़ा करके उसे अलग अलग कीजिए। कूड़ा पर कोई रिसर्च कर रहे हो क्या? इतना विस्तार से बता रहे हो? जहाँ तक कूड़े का मामला है, यहाँ से दफा हो जाओ। सर टेंशन क्यों ले रहे हो? सर घर पे विवेकानंद जी का फोटो है, मदर टेरेसा का फोटो है। ये सब फोटो मैंने नहीं लगवाया, मेरी अपनी बेटी ने लगवाए हैं। सर आप भी ऐसा बोल रहे हैं जैसे वो आपकी बेटी नहीं बल्कि भाड़े की बेटी है। क्या भाड़े की बेटी? अरे गलती हो गई साहब। तेरी ये मसाल, मेरी बेटी को भाड़े की बेटी बोलता है? पापा। क्या पापा और गोलगप्पा? किससे बात कर रहे हैं आप? मेरे किसी क्लाइंट से? नहीं, ये जो देख रहे हो ना उसे डालने वाला आया था। तू कूड़ा बीच सड़क में फेंक और वो उसे उठाकर घर के अंदर फेंकेगा। जिंदगी कूड़ा बन गई, लानत है। छह, कौन है वो कमीना? ए, ए, गोजू, कौन है बेतू? ए, ए, रुक! अरे रुक ना! बस रुक गई। कुछ पता नहीं मेरे किस्मत का तारा कब खुलने वाला है। प्लेटफॉर्म पे मुझे दुकान खोलने पर मजबूर करने वाले कौन हो सकते हैं? वो कौन होगा भला? मेरे माता पिता या मेरे दोस्त या फिर वो शिक्षक? मंत्री हैं या एमएलए हैं, हजारीबाग वाले हैं या आजमगढ़ वाले? कौन कारण है? मैं समाज से पूछ रहा हूँ कि आखिर कौन कारण है? कोई नहीं, मैं ही कारण हूँ। आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम देखता हूँ, ठीक है? आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। सुकन्या के नाम से एक अच्छा सा कार्ड निकालो मिट्टू, निकालो ना। लाओ मिट्टू, इनका भविष्य उज्ज्वल है या नहीं यह देख के बताता हूँ। ये क्या, ये तो शकीला है। ये इंटरनेट का युग है और ये कलयुग की देवी है, नमन करो। क्या देख रही हो? देखो मैडम, इन्हें कम मत समझना, पूरे हिंदुस्तान को अपने आगे पीछे घुमाने वाली सेक्स बम है ये। तो मैं भी उनकी तरह बड़ी हीरोइन बनूंगी क्या? हा? क्या कर रहे हैं आप? सच बताऊं मैं, गुरु की कृपा है आप पर। शुक्र उच्च स्तर पे है, राहु ऊपर है, केतु चरणों में। फिलहाल ग्रहों की दशा पे गौर करें तो हीरोइन से राजनीति क्षेत्र में छलांग लगाएंगी तो फिर क्या आपके हाथ में सत्ता? रुको रुको रुको, बैठ उतरिए, आपकी किस्मत खुल गई। हाँ गाड़ी घुमाकर पार कर दो। मैडम सुकन्या, अब आप जाइए जाइए। मैं जूही चावला की तरह बनूंगी ना। बस गया, अब तो मजा आएगा। कहाँ जा रहा है? ये फुटपाथ अपना है, ये भी अपनी है, जो भी जगह चाहिए आप ले लीजिए। अच्छा
दिलेर तुमने सिर्फ सेट को देखा है, पीछे की गाड़ी को नहीं देखा। उसके अंदर जो लॉकर है उसको तोड़ना है और ब्यूरो है उसे खोलना है। दिलेर तुम एक काम करो, ये ज्योतिष का धंधा छोड़ दो और मेरा असिस्टेंट बन जाओ। शाम को एक पौवा दिलवाता हूँ और चिकन बिरयानी भी दिलवाता हूँ और तोते के लिए दो अमरूद भी देता हूँ। ओके। ये क्या है यार, मैं तो सोचता था कि तेरा तोता पंडित है, लेकिन ये तो बेवड़ा निकला। तोता भी दारू पीने लगा तो दारू की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? नीचे उतरो, मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? जाओ फटाफट जाओ, खाने कराओ, जाओ जाओ। ये जगह ठीक है ना? बहुत अच्छा। आपके पार्किंग की जगह ठीक है ना? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। अरे तो मेरी रोजी रोटी का सहारा भाई। हरीश बचाओ भाई, अरे मृत्यु से मरा। कूल कूल सिमरन, अपन आ गया है ना? हाँ। ए, पता नहीं ये लोग कौन है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अच्छा हुआ मेरे मृत्यु कुछ नहीं हुआ। अरे रे 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 रे, काय को पंगा ले रहा है भाई साहब? अरे गरीब लोग है अपन, अरे भाभी पेट के लिए अपन यहाँ धंधा कर रहा है और तू अपन के पेट पे लात मारता है, ये अच्छा है क्या? ए, अपन ने बोला ना हटा दुकान यहाँ से। अपन से पंगा मत लेना, पंगा लिया तो तुम मर जाएगा रे। एक एक करके आना। मजा आ गया। ये तो मार खा रहे हैं। अरे ये तो मार रहा है। बहुत खूब गुरु उच्च, शुक्र तुच्छ, घर कहाँ है? चीज बोल, तुम जाओ खपोली, तुम्हारा समय ठीक नहीं है। मेरा समय ठीक नहीं है? बोला अरे बाप रे, पैसा दिया है मैंने। कौन देखिए मार रहे हो? मार रहा है तब तो एस्केप। मारो मारो मारो। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अच्छा तो गेंद चुराने के लिए आओ क्या? हाँ कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए। सेठ जी, अरे आपकी तो अपनी जमीन है, चाहे तो उस पर बिल्डिंग खड़ी करके किराए पे दे सकते हैं। वो सब छोड़ के ये हफ्ता वसूली किस लिए? माफ कर दो, मैं इनके बहकावे में आ गया था, मुझसे भूल हो गई। राम कसम, तुम लोगों को तंग करने के लिए यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे तुम्हारे बंदों ने जो तोड़फोड़ की ना, उसके बदले ये ले रहा हूँ।
कम पड़ गए तो घर आके सेठानी से ले लूंगा। नहीं बेटा, सेठानी से मत बोलना। आज रात तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये हुई ना। ये दोनों नमूने कहाँ गायब हो गए मुझे अकेला छोड़कर। अरे यार मैं यहाँ हूँ, हिला के रख दिया मैंने। हाँ हिला दिया तूने। अबे ताला यार। अभी आया। बहुत शुक्रिया आप सभी को, मेरा नमस्कार। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। श्री टीएसजी यानी हमारे गणित के अध्यापक, आज वो हम लोगों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। मैं मरा तो नहीं ना, रिटायर ही तो हुआ हूँ। इनकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। उन्होंने इतनी ईमानदारी से नौकरी की है जिसका उदाहरण ये है कि आज भी उनका अपना घर नहीं है। ये सब कहने की क्या जरूरत है, पैसे नहीं थे नहीं खरीदा। ओफो, तुम इस तरह तारीफ पे तारीफ क्यों कर रहे हो? ये लोगों से कहते हैं कि बुराई से दूर रहो, और अनजाने में भी इन्होंने कोई गलती नहीं की। छोड़ो भी, मौका नहीं मिला इसीलिए नहीं की मैंने। हमें दुख है कि इस तरह के ईमानदार अध्यापक बहुत हो गया। ये सब मेरे बारे में जानते ही हैं। इसी स्कूल में और 2 साल काम करूं तो सबके सब मुझे यहाँ से भगा ही देते। ठीक है, अब आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पार्टी का अंजाम किया? पार्टी? टी पार्टी सर। नहीं, सेहत ठीक नहीं है। सर कार में जाएंगे सर। कार में तुम जाओ, मुझे लेने के लिए मेरा बेटा आएगा, मैं उसकी बाइक पे बैठ के चला जाऊंगा। सर एक छोटी सी भेंट। शुक्रिया, चलता हूँ चलता हूँ। सीयू सर। ओके अब चलता हूँ। संभल के सर। बाबूजी ठीक से पकड़ के बैठिए। मैं पकड़ा हूँ, तुम संभाल के चलाओ। और कार्यक्रम कैसा रहा? सब अच्छा ही रहा, बस ये बताओ तुम क्यों नहीं आए? हाँ पता है, आप सब रिटायर्ड टीचर्स मिलके छात्रों से पैसा वसूल के 5 रुपए मेरी बिस्किट और चाय पी के भाषण देते रहेंगे, वो सुनने के लिए अपन आएगा। अबे तुम्हें जलन हो रही है, मेरी तारीफ सुनकर तुम्हें जलन होती है? हाँ आप तो एंग्री ओल्ड मैन अमिताभ बच्चन जी हैं, और आपके डायलॉग सुनकर हम तालियां बजाएंगे क्या? अपनी औकात पे रहिए। तेरी क्या औकात है? अरे अपुन के सामने बिल गेट्स, अंबानी, टाटा बिरला, विजय माल्या, ये सब तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। ये आप नहीं समझेंगे। विजय माल्या बीड़ बेचने वाला है। विजय माल्या बीड़ बेचे या तीर बेचे, जो भी बेचा, लेकिन पैसा तो कमा लिया ना। भाषण बंद करो, जाके दरवाजा खोलो, घर आ गया। लाइट ऑन करो। बेटा ये क्या है? नई मेज, नई कुर्सी, सब नए लग रहे हैं, ये क्यों? यही कि आप रिटायर हो चुके हैं, कल से यही ड्यूटी है, इसलिए सारा इंतजाम कर लिया। ये सब तो टीक वुड के बने हैं। हरीश तुमने ये साबित कर दिया कि पंडित का बेटा निरामूर्ख होता है। मेरी नौकरी के वक्त ये सब खरीद के दिए होते तो बगैर पीठ दर्द के क्लास लिया होता। आप क्लास लेंगे ना? बच्चों अंदर आ जाओ। ए, आओ आओ। नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग? कल से इन बच्चों को आप ही पढ़ाएंगे, ये फीस देंगे पूरे 150 रुपए पर स्टूडेंट, ये काफी है ना? 150 रुपए से शुरू करके 8,000 की तनख्वाह में रिटायर होकर ऊपर से 4,000 रुपए की पेंशन लेने जा रहा हूँ मैं, वही काफी है बेटे। कई बेरोजगार शिक्षक काम की तलाश में हैं, उन्हें करने दो ना ये काम। यानी आपको अपने बेटे के भविष्य की चिंता जरा भी नहीं है? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, तुम बेफिक्र रहो। सुनो हरीश भैया, गोबर गणेश है तुम्हारे पापा, बहुत ईमानदार है। जब नौकरी पे थे तब भी कुछ नहीं कमाया, और अब रिटायर होने पर भी कुछ नहीं कमाने वाले। ए नंद, तुम्हारी नैया डुबाने वाले हैं तुम्हारे पापा। दुख की बात है हरीश, तुम ही हमारी प्रेरणा हो, ये मत भूलना। चलो मिलन चलते हैं, ये सुधरने वाला नहीं है। बच्चे नहीं शैतान है ये, अब उनकी किस्मत ही खराब है। भाग्यवान, आज तक दामन को दागों से बचाते हुए रिटायर हो गया, तुम्हारे बेटे को भी पाल पोस कर बड़ा कर दिया। आखिरी सांस तक किसी तरह जीने तो मुझे, वही बहुत है। अरे ऊपर वाली दुखियों के नहीं सुनता रे, कर 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 नहीं बदलेगा। जिस बाबा जी की तुम पूजा करते हो वो बाबा जी तो कभी भगवान को मानते ही नहीं थे, डेली उसके फोटो को भगवान समझकर पूछते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? देख माना कि बाबा जी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन मेरी नजर में ये बाबा जी भगवान से भी बढ़कर हैं, इसलिए मैं उनकी आरती उतारता हूँ।
अरे तुम्हारे पिताजी भी उनके गुण गाए करते थे कभी। यही नहीं, तन मन से इनकी सेवा भी की है। माना कि मैं 25 साल का हो गया हूँ और 2 साल आजाद रहूंगा। भगभग करना छोड़, बाजू वाली गली से अनारकली का फोन आया कि उसका ताला खुल नहीं रहा, जाके अपने मास्टर की से खोल के आ। बहुत बड़ा रिजर्व बैंक का लॉकर है क्या? ताला अनारकली का है ना? फुटले फुटले अनारकली बेचैन हो रही होगी, जल्दी जा। मैं जा रहा हूँ, तू आरती उतार, आरती उतार, आरती उतार। अरे ये लोग यहाँ पे पीछे आ गए। अरे हटना, हटो। से ढूंढ रहे हो, कहाँ गायब हो गए यार? ए तू लेफ्ट जा, ओके बॉस। राइट जा, ओके बॉस। ए भाई, यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? ए अपन पूछ रहा है ना, यहाँ कोई नहीं आया। जा। ए सुब्रत, यहाँ नहीं है? अरे ये तो अपना टीचर का लड़का है, झूठ नहीं बोलेगा। हाँ चल, अब कहाँ कहाँ ढूंढूं इसे यार। ए भोंदू, टीचर के बेटे हो तुम? खुद की दुकान है या नौकर हो? चोर भी चढ़ी है। बहुत ही खराब लोग हैं वो, संभल के रहना तुम, फिर से आ सकते हैं, पंगा मत लेना। सुनो। क्या है? शुक्रिया अदा नहीं करोगी? शुक्रिया किस लिए अदा करूँ? अबला नारी की मदद करना मर्दों का फर्ज है, इसलिए शुक्रिया अदा की बात कभी मत करना। बुजुर्गों की मदद की है, रोड क्रॉस कराया है, ऐसे कई उपकार किए हैं, फकीरों को दान दिए, ऐसे छोटे छोटे मामलों के लिए शुक्रिया नहीं करते? ये तो सामाजिक फर्ज है। इतना जान लो कि ईश्वर ने तुम्हें अपाहिज नहीं बनाया, इसके लिए तुमने उनका शुक्रिया अदा किया? नहीं। ये बकवास की बातें छोड़कर और धंधे पे ध्यान देकर जिंदगी में आगे बढ़, और चाहो तो आगे से मेरी मदद मत करना। हाँ, आई बात समझ में? इतनी देर से मैं बकवास कर रहा था? बाबा जी सब देख रहे हैं, वरना उसे बेहाल कर दिया होता। खैर, उसकी किस्मत अच्छी है, ये अपन का दोस्त है, गली गली फिरता था। इसका बाप इसे 2-व्हीलर शोरूम खोल के दे रहा है, बदले में ये ट्रीट दे रहा है। हेलो, हाय। ट्रीट कहाँ पे दोगे? स्टार होटल में। अरे मैं गाली लोग यार। ए, किस लिए? अरे स्टार होटल में बिना जूते के अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ। जोर से बोलने की आजादी नहीं है। हाँ। अंधेरे में पता नहीं चलता कौन किसकी पी रहा है, डर डर के अपने गिलास पहचान के पीना पड़ता है। क्या ये अपने को जमेगा? हरीश भाई, ये सही बोल रहा है यार, अब क्या करें? अपने रास्ते पे जाएंगे ना। अड्डा नया लगता है भाई। अरे हमारी गोवा की आंटी एनी मेरी है ना, ये उन्हीं का बार है, अंदर चल के देख क्या मस्त इंतजाम है, मजा आ जाएगा। संभाल के कहीं नकली माल ना दे दे। अरे बहुत मजा आएगा, 2 पैग ही काफी है। पौवा ले लेंगे। अरे चिकन फ्राई की जगह तोता फ्राई खाएंगे। माइक टेस्टिंग 1 2 3। भगवान तुम्हारा भला करे। प्यारे भाई और मेरे भाइयों, तुम लोग अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, चरस जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग न करें, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए ही इस एनी मेरी बार का उद्घाटन किया गया है। आपको यहाँ बहुत मजा मिलेगा, मजा ही मजा मिलेगा। गौर करें, एक फुल बोतल के साथ अंडा लीजिए, अगर स्वामी है तो उनके लिए ग्लास भी अलग है, 2 डिलीवरी भी हम लोग करते हैं। एक फोन कीजिए, शराब आपके घर आ पहुँचेगी। ठीक, पधारिए और इस बार का लुत्फ उठाइए। फिर से स्वागत है, टेक योर सीट। धन्यवाद, तुम्हारा भला हो। जंग अरे रुक यार, मारना है वहाँ नुक्कड़ में मामा होंगे यार, हम उतर के गाड़ी को धकेलते हुए लेके जाएंगे। मामा ये ना भांजा बात कर रहे हैं। चलना चलना, बक करना छोड़ दे यार। गुड मॉर्निंग सर। साहब सब ठीक है? साहब ये लो। ठीक है आगे बढ़ आगे बढ़। उसे बुलाओ। फंस गए यार, मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाले को छोड़ देंगे, और जो बिना बेल के साइकिल में और बिना टायर के मोटरसाइकिल में जाएंगे उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। सर आपने देखा सर, उस नुक्कड़ से बाइक चलाकर ही आ रहे थे, हमें देखते ही वो अनजान बनकर वहाँ से जा रहे हैं। सुनो, उन तीनों को यहाँ बुलाओ। ए, यहाँ तुमसे ही बोल रहा हूँ। आपने देखा सर कैसे जा रहे हैं? उन्हें पता है कि उन्हीं को हम बुला रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं किसी को तलाश रहे हैं। सर हमें बुला रहे हैं। हाँ तुझे। अरे यार हरीश, तू इनसे निपट ले, मैं अभी आता हूँ यार। कहाँ जा रहे तुम लोग? सिनेमा देखिए। टिकट कहाँ है? सर अकेले गए थे, किसी टिकट को साथ नहीं लेके गए। सिनेमा टिकट कहाँ? निकाल यार, गलती से बाथरूम में फेंक दिया यार। सर इसने संडास में फेंक दिया। हाँ। क्या आप मुझे पकड़ेंगे? ये मुझे मालूम नहीं था सर। कहाँ काम करता है? सर मैं वाइन शॉप नहीं बुकशॉप रखा हूँ सर, ये ताला तोड़ के रिपेयर करता हूँ। कहाँ ताला तोड़ते हो? ये आप क्या कह रहे सर, मैं तोड़ता नहीं, जोड़ता हूँ, मेरा मतलब है रिपेयर रिपेयर। ठीक है, हुक के दिखा। अरे अरे इसे छोड़, मुंह से फूको। सर मैंने मुंह से फूका? मुंह से फूको। सर ड्रंकन ड्राइव है सर। ड्रंकन ड्राइव सर,
ड्राइव कहाँ कर रहे थे सर? हम लोग तो ढकेल के लेके आ रहे थे। सीधी तरह मान ले, नहीं तो घुटने तोड़ दूंगा। वहाँ से तीनों गाड़ी चला के आ रहे थे, हमें देखते उतर गए। तू बहुत बकबक करता है, तेरी तलाशी लेनी होगी। सर देखा, ये पान पराग। पान पराग सर, दारू की महक छिपाने के लिए सर। हाँ सर, गाड़ी को किनारे कर। वो तो जी बहुत बढ़िया सर। तेरी गाड़ी को किनारे कर, वो तो इसकी गाड़ी है। हैं बेटा, फंस गया ना आज तेरी पट्टी परेट। अरे यार मैं तो फंस गया, चल मेरे भाई। सर हम दारू पीके बाइक को धकेलते हुए आए हैं सर, लेकिन एक बंदा दारू पीके बिना गाड़ी के पैदल ही जा रहा है सर। दारू पीके बिना गाड़ी के पैदल जा रहा है? इधर आ सर, मुझे बुलाया। तुझे ही बुला रहा हूं। नाम मुरादो, मुझे भी फंसा दिया। कुछ बोला क्या? बोला सर, दारू पी थी, पान पराग खाए, मोटर बाइक में ट्रिबल्स आए थे, सब कुछ बताया। समझा दीजिए। इनकी उम्र में मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, बस जिम्मेदारी आते ही इनमें बदलाव आ जाएगा। आप बदल गए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपका बेटा भी बदल जाएगा, ये गलत सोच है। बदलेगा सर, कभी मुझसे झूठ नहीं बोला इसने, सिनेमा देखकर आ रहे हैं ऐसा आपसे बोला ना, लेकिन मुझसे क्या बोला जानते हैं? पार्टी से आ रहा हूँ ऐसा इसने मुझसे बोला। मास्टर जी के बेटे हो? हाँ हाँ ठीक है सर। भूल किससे नहीं होती, तुम्हारी भूल से कभी किसी को कोई परेशानी ना हो ये ख्याल रखना, समझा? मास्टर जी क्या बोल के गए? बोला कि भूल से भी भूल मत करना। तो वैसे समझाना चाहिए ना, ये तो ऐसे बोल के जैसे बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, हम सब बेवकूफ हैं। चल बे पौवा मारते हैं, अपनी दुकान के लिए भी ऐसी दो लंडिया रखेंगे। ए, ये कमीज अच्छी है, कब ली तूने? कल रात 2 बजे। 2 बजे क्यों? कम वक्त, उस वक्त कमीज का मालिक सो रहा था ना। नहीं समझे, चोरी की इसने। ये कभी नहीं सुधरेगा। बहुत खूब, अच्छा है ना? जिम्मेदार बाप है। एक वो है जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके अपने बेटे के लिए शोरूम खोल के दिया, और एक आप भी हैं। पैसा क्या पैसा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, कोई भी पैसा कमा सकता है, समझ गए? आप तो कमाने से रहे, इसलिए कुछ ना कुछ कह के बाप को टाल रहे हैं। तुमने सच कहा, पैसा नहीं कमाया, लेकिन बहुत अच्छा नाम कमाया और पुण्य कमाया हूँ। बेटे जानबूझकर आज तक कोई पाप नहीं किया मैंने, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? पिताजी इतनी बड़ी बात को आपने आसानी से कह दिया। कोई ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, देखो ये सब मैक लेके बोला नहीं करते। ठीक है मैं दुकान की मुआयना करता हूँ, तुम जल्दी जाके कूल ड्रिंक्स लेकर आना। जाओ जाओ बेटे। ठीक है अभी लाता हूँ। मनीषा के प्रेम के बारे में मिट्टू सिवरन क्या कहने वाली है जरा देखते हैं। तुम अंदर जाओ, बगल में जो नमूना बैठा है उसके साथ मनीषा की शादी होती है या नहीं, शादी के सातों वचनों को पूरी तरह निभा पाएगा या नहीं, ये देखते हैं। अरे वाह अरे वाह, अरे अमर प्रेम है, तुम्हारा प्यार दुनिया में बहुत मशहूर होने वाला है। तुम्हारे प्यार को अमर करने के लिए टाइटैनिक कार्ड निकला, जरा तुम भी तो देखो। हाय दैया, मेरी शादी नहीं होगी। मरने वाला तो ये है, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है पता है, हिम्मत से जाओ, टाइटैनिक फिल्म भी यही कहती है। अरे दिलेर आज यहाँ कैसे? आज संडे है, ऑफिस और कॉलेज सब बंद है, इसलिए मैं यहाँ लड़कियों को फंसाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ। ये बात है। नाम क्या है? ये तो वही है। ए, नीचे गोबर है, संभल के। अरे वो वहाँ होगी, चलो चलो चलो। अरे ये तो वही ग्रुप है। ए, तू राइट जा, तू लेफ्ट जा, मैं टॉयलेट जाकर सीधा यूटर्न होकर यहीं आता हूँ। ओके बॉस। क्या कहा बॉस? उस दिन भी भाग Where is the red baby? लड़की घूम होगी बॉस। ए पागल चुप, तुम लोग के भरोसे। इसे चोटी काटने के लिए बोल यार, इसमें और उस लड़की में कोई फर्क ही नहीं है। हे ये यहाँ कैसे पहुँच गया यार? देखो क्या करता हूँ। हेलो मिस्टर बुक ब्रदर, लाल परी। बॉस धत तेरी, चुप रहना। लाल परी को देखा तुमने? चाहो तो आइंदा मेरी कोई मदद मत करना। क्यों भाई, बन किताब की तरह चुप क्यों हो, जरा पन्नों को पलटो ना। श, 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 श,
कहाँ सांप भोंदू? यहाँ से उसकी आवाज जो आ रही थी। अरे खोजू, वो तो मैं थी, इनसे बचाने के लिए तुझे बुलाया था। बुक को पार्सल करो। ओके बॉस। ए, देखो, आगे मत बढ़ना। क्या करने जा रहे हो? दूर रहना। हे भाई, अरे भाई रुको ना, पहले ये बता, जब भी देखो ये पीटी उषा की तरह दौड़ती रहती है और तुम लोग भी पीछे लगे हो, उस दिन से आज तक पीछे लगे हो क्या? अरे यार तुम नहीं समझोगे, बात ही कुछ ऐसी है। बोलो, मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? ए, पागल है तू? यार क्या वो पागल है? अरे मुंह बंद कर यार, चुप करना। तुझे ए, क्या चाहिए? फिर नहीं। ए, पांडे क्या ना? ए, क्या लेके आने के लिए बोल रहा है? चल सीधे चल, गाड़ी बैठ, चल चल चल, छोड़ो, चल जा, चल जा, चल चल, गाड़ी आगे आ रहा हूं, छोड़ो जल्दी, गाड़ी चल चल, ए दरवाजा बंद कर दी जरा। अरे रे 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 रे, ए ज्यादा चिल्लाना नहीं, ए छोड़ो। अरे देखा आपने, खुलेआम सबके सामने लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं, क्या जमाना। मैं खुद ही लाइव देख रहा हूँ, फिर रिप्लाई क्यों? कोई तो बचाओ। ए, तो अभी तक खड़ा है, चल भाग। बुक वाले भोंदू, हेल्प। सुनो, मुझे कहाँ लेके जा रहा है? हम तुम्हें बैंकॉक लेके जाएंगे। चुप कर। प्लीज हेल्प। ए, ए, ए। हेल्प, समबडी हेल्प। हे, किसने इस बीन को फेंका? छी, डस्टबिन को फेंका। हे, ये क्या, कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया? उसे हटा दो वहाँ से। हटा देते, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ कार में आऊंगा। ओए, तू भी? हम कहाँ जा रहे हैं पता है? अरे कहीं भी जाना, लेकिन अपुन भी तेरे साथ चलेगा। तू भी चलेगा? हे भगवान, अब क्या करें हम? हे सोमराज, ये बहुत तंग कर रहा है यार। अरे यार अपन तंग नहीं करेगा, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे साथी, जरा उस डस्टबिन को किनारे पे रख देना। अरे फटाफट गाड़ी चलाना यार। अरे गाड़ी में ऐसी नहीं है क्या? साहब जी बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे लिए भी मन्नत मांगना। ए बिड़ू, हम मन्नत मांगने के लिए मंदिर थोड़ा ही जा रहे हैं। ए हाथ हटा यहाँ से। बॉस, उसका मुंह बंद कीजिए। ए मैडम, तू बहुत फूफा करती हो, ये लो प्लास्टर चिपका देता हूँ, जो कुछ भी कहना हो बाद में कहना। ए भाई, हम लोग गोरीवली की ओर जा रहे हैं, रस्ते में दो पुलिस बूथ हैं, वैसे ही लेफ्ट टर्न लोगे तो थाने से होते हुए लोनावला पहुँच जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम के लिए तो वही अच्छी जगह है। ए ड्राइवर, गाड़ी को लेफ्ट ले, लेफ्ट टर्न करना। थैंक यू। टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। हे, किसे फोन कर रहा है तू? फ्रेंड को यार। भला किस लिए? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? हाय बाचा, अपन हरीश, खुशखबरी है यार, हॉट भी हो गया ठंडा। ठीक है दोनों ले ले। पांच बियर ले ले और फिर जिन विद लेमन मिक्स करने के लिए सोडा, और उसके बाद नेपोलियन और कल्याणी भी ले ले यार। मटन फ्राई जरूर लेकर आना, जल्दी आना। क्या? ओके। देखा बेबी, हम जो भी करते हैं पूरे प्लान के साथ करते हैं, लगता है इस बुक को पूरा तजुर्बा है। हाँ, लोना वाला आ गया, अब तुम्हें बोलने का पूरा हक है। लोना वाला आ गया, उतरो उतरो उतरो। कमान बेबी, जल्दी उतरो, आ जाओ आ जाओ, आराम से। अरे आ जाओ ना, आराम से बॉस, मंजिल पे पहुँच गए। बॉस बॉस, इतनी भी जल्दी क्या है? सोमराज मैं हूँ ना बॉस। हाँ, अरे सुन, अपन भी आता है क्यों? अपन ने ठीक बोला ना। गुलाब लाया हूँ, देखो ना। छी, चाहे सुर्खाब ला, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। फिर तुमने मुझे देखा क्यों? बस स्टॉप पे तू मुझे घूर रहा था, इसलिए मैं तुझे देख रही थी। फिर दूसरे दिन क्यों देखने लगी? दूसरे दिन तू मुझे नहीं देख रहा था, इसलिए मैं देख रही थी। बेशक। तीसरे दिन से मैंने वो इलाका ही छोड़ दिया, तू खामखा मेरा पीछा कर रहा है। यार वन साइड लव है। फंस गया भेड़ू, देखो अपन क्या करता है। अरे यार ये तो चला गया, ये तो पानी फेर देगा। लाल परी, मेरा दिल मत तोड़ो, मेरा कलेजा फूंक रहा है। नहीं फूंक रहा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सॉरी मैडम, सॉरी बॉस। ये जो लव है ना, ये एक प्रकार का रोग है, ये एक बार लग गया ना तो बेटा क्या काम से। लव इज लाइफ, लव इज लाइफ। तुम्हें फूंक फूंक के कदम रखना होगा, ये जो लव नमक वायरस है ये बहुत खतरनाक है, स्वाइन फ्लू से भी खतरनाक है। अरे 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 मुझे छोड़, मैं तो समझाना चाहता हूँ, उनकी परिभाषा से समझाने दे। हरीश ने मुझे फोन करके बताया सर कि ये दोनों लंडे लड़की को अगवा करके रेप करना चाहते हैं। ये कैसा शोर है, कौन है? माय फ्रेंड्स, ये लोग एक नंबर के लौंडियाबाज हैं सर।
यही तुम्हारे दोस्त हैं? खाकी वर्दी में आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन में काम करते हैं क्या? हाँ, पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, तुमने जो किया उसके लिए पुलिस ने तो फौज को बुलाऊं क्या? अरे बेरहम, नेपोलियन कल्याणी यही है क्या? हाँ, नेपोलियन इंस्पेक्टर है और कल्याण जी हवलदार। ए, नाम ले रहा तू? लड़की का अगवा करता है, चल। अच्छा ये तो बताओ, तुम हम पुलिस वाले को मामा कह के क्यों बुलाते हो? सारी दुनिया आप लोग को मामा बुलाती है। आज तेरी धुलाई करता। अच्छा, उस लड़के ने इस लड़की का अगवा किया, लेकिन तू उस गाड़ी में कैसे आ गया? सर सर सर, इसने अपन को भी बुलाया था। क्या, इस लड़की ने तुम्हें बुलाया? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसे मदद के लिए बुलाया। ठीक है, स्टेशन आके कंप्लेंट लिख के दो तुम। ठीक है। ए, तो भी आना। पटा क्या ना? क्या लिपटा क्या रहा, समझा? क्या कह रहे? टंग स्लिप। हेलो। क्या है? क्या रेट है? ये क्या रेट? तेरी तो चप्पल का नहीं, ये तुम्हारा। अरे बाप रे, मस्त पटाखा है लेकिन जेब से भारी है। मैं तो मर जाऊंगा। ए, हरीश, हरीश, अरे 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 अरे, क्या करूं? अरे अरे बाप रे, अरे हरीश बोल ना। अरे कौन है? अरे अरे प्रेत। अरे मैं हरीश हूँ। अरे तुम हो? क्या है, कॉर्पोरेशन वाले फुटपाथ पे आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो तो हमेशा होता रहता है, काई को टेंशन ले रहे हैं? यार हमेशा की तरह केस दायर करेंगे तो पैसा देकर निपटा लेंगे, लेकिन ये तो हमारे सामान को गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे मिट्टू सिमरन को भी लेके जा रहे हैं। हरीश भाई, हम क्या करें? देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, नया कमिश्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हारी कहानी नहीं सुनने वाला। नहीं सुनेंगे, IBA यानी इंडियन बिजनेस एक्ट 1947 के खिलाफ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? एक फीट बोल के तुमने 9 फीट जगह को हत्या लिया, ये कहाँ का न्याय है? हमें जो अच्छा लगा हमने किया। ए, चुप करना, काहे को जल्दी आग में घी डाल रहे तू? अबे मैं घी नहीं डाल रहा हूँ, उस टेले को सीधा कर रहा हूँ, समझा? ए ठीक है, हम लोग कोर्ट में देख लेंगे। साहब जी, फुटपाथ का इस भोले नाम से तूने पंगा लिया, उस पंगे का अंजाम क्या होगा तू देख लेना। योर ऑनर, हथियार को इसने हाथ में उठा ही लिया। कोर्ट कचहरी जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई उपाय ढूंढता हूँ। उपाय से भी कोई फायदा नहीं है। कुछ भी हो, हमारी दुकान खुल जानी चाहिए। बुझी हुई को क्या कहते हैं? और उसे मंदिर में क्या कहते हैं? नदी में क्या है? जल। और उसे पंडित दे दे तो? चरणामृत। अपन के भेजो का मान गए ना तुम लोग? का भेजा है। अगर हम लोग मिल गए तो संघ बनेगा। आज ही हम लोग एक संघ बनाएंगे। बेस्ट आइडिया। कल ही हम फुटपाथ व्यापारी संघ आरंभ कर देंगे, अपने बचाव के लिए एक आवेदन पत्र कमिश्नर को देंगे। भैया, इस खुशी के अवसर पर हमारे पहचान की फिल्म की एक्ट्रेस नगीना को हम बुलाएंगे, रूम बुक करेंगे। ए, अरे ठहराने के लिए जगह नहीं यार। अरे क्या कहा दिलेर, फिल्म एक्ट्रेस नगीना? हाँ। ना तो सुना ही नहीं है यार। एस रामनाथन की पुरानी फिल्म जमानत में अमिताभ बच्चन के साथ वो छोटी बच्ची काम की थी ना। हाँ। आज वो कली छिटक कर फूल बन गई है। क्या कह रहा है? लाखों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की बहार, स्वप्न सुंदरी फिल्म एक्ट्रेस नगीना फुटपाथ व्यापारी संघ के उद्घाटन के लिए पधार रही है। नगीना बेनजीर बेमिसाल तू, चलना मेरी जान संभल के जरा तू, महकते फूलों की खुशबू है, इस दिल को है तेरी ही जुस्तजू। पूछते हैं अपने दिल में बसा के, लेडी सुपरस्टार सारी का की सीट पे बिठा के, जो भी देखो तू ने कर कमाल है खुदा का, इन सुरसलप के सामने अरशो की ये गुलाब क्या, जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुरसलप के सामने अरशो की ये गुलाब क्या। मेरी जा संभल के जरा तू, तेरे छूते ही आम के दाम बढ़ गए,
अरे तोबा जवान है हम तो मर गए। अरे तू दुल्हा जवान है हम जान है। अरे मुझे नहीं थी खबर हाल तेरा ये होगा। नसी है जवानी का ये जाम दिखा दिखा के, इसलिए तो आज ओबामा भी तेरा दास है। हाँ वो मेरा दास है। और जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्ख लब के सामने अरे जो भी ये गुलाब क्या। अरे जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, नगीना 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 बेनजीर बेमिसाल तू। खेल सदा मैं की हवाएं मस्त जवानी की रंग से रंग गए हैं। अरे हर नजर में प्यार नहीं प्यास है जानना, जोश खो के होश में नहीं है हर कोई मानना। अरे हर नजर में प्यार भी है बेरुखी भी है, थोड़ा थोड़ा होश भी है तो बेखुदी भी है। मानना बेखुदी है। जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्ख लब के सामने अरे शोखी ये गुलाब क्या। किससे पूछ के फैसला लिया? किससे पूछना है? मैंने सुना है कि आपकी दूसरी पत्नी इस घर में आ रही है। आने तो अच्छी बात है। ए, तुम्हारा रिश्ता तय करने वाला हूँ उससे। नुक्कड़ पे एक लड़की के साथ नाच रहे थे और यहाँ जबान लड़ा रहा है। फंक्शन था इसलिए मस्ती में अपन ने नाचा। पिताजी सोच लीजिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है इसलिए ऐसा किया मैंने। कुछ बोलूं क्या? बोलिए। अपन के भरोसे अपन को लड़की देने वाला कौन है ये बताइए। तेरे भरोसे नहीं, मेरे भरोसे रिश्ता तय हुआ है। अरे अरे आपके भरोसे क्या? अरे अपन को लगता है वो आपके भी बाप होंगे। कूड़ा का रिसर्च वाला बेटे, आजकल हम कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं, बाहर का कूड़ा इधर लाके मत डालना। बगल में एक नया बंगला है वहाँ जाके डाल। सर 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 फ्रूट सर। फ्रूट क्या? कम इन कम। सला लाल जी आपके गले में पट्टी कैसी सर? ये तेरे लिए रुकावट है ना, चलो निकाल देते हैं। सर आपका तो जवाब ही नहीं। किस लिए? मेरे कहे मुताबिक आपने कूड़ों को अलग अलग करके बांट दिए हैं सर। वो तो पहले से ही थे बेटे, मैंने जो भूल के एक बेटी पैदा की है ना। मनुष्य कोई भी चीज सही जगह पे नहीं रखती है, इंडोर का काम भी ठीक से नहीं करती है और आउटडोर का काम भी ठीक से नहीं करती है। तुम मुद्दे पे आओ। अच्छा सुनने में आया कि टीएस साहब ने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। उस बूढ़े को कौन बेटी देगा, उसके बेटे के लिए देने के लिए कहा था। बेटे के लिए ही ना, आपने उसे देखा है ना ही आपकी बेटी ने, फिर कैसे राजी हो गए? मैंने उनके बारे में पूछताछ की। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान है ऐसा सुना। पेड़ अच्छा होगा तो फ्रूट्स भी अच्छे ही होंगे ना। इस भरोसे मैंने मान लिया। सर आप तो शरीफ हैं। सो तो है। तो आपकी बेटी भी शरीफ होंगी ना। ये कहावत आप ही ने कही है। वो क्या है कि बेटे ये जरूरी नहीं कि बेटा अच्छा हो, इसलिए भूल जाइए उसे, आप उसे पसंद नहीं करेंगे। पसंद करूं या फिर ना करूं, ये बोलने वाले तुम कौन हो? सर दरअसल वो लड़का मैं ही हूं। तो बात ये है तुम पहले से मुझे ना पसंद हो। यही तो अपन पहले से बोल रहा था। अच्छा ये बात है। आ गई क्या पप्पा क्या गोलगप्पा। ये झांसी की रानी कौन है? वही हेडेक, नो रिलीफ। ओ सर सोच के आगे बढ़िए, मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है काम करते हैं। तुम पिताजी से कहो कि एक अच्छी कन्या ढूंढे तुम्हारे लिए और मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर। जो मैचिंग कुटुंब में ही स्क्रैचिंग होती है। तुम दोनों तो राहुल और केतु हो। अपन चलता है सर। फ्रूट्स? नहीं सर आप ही रख लीजिए। थैंक यू सर। अपन ने अपन की बुराई की, ऐसा अपन के बाप से मत बोलना। क्यों? भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ वो आप जैसे अच्छे इंसान है। नमस्ते साहब अपन चलता है। ठीक है सलाम तो ठीक से कर रहा है लेकिन लगाम नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से कह रहा था माँ मेरे और पापा के बीच हजार मतभेद हो,
इसका मतलब ये नहीं कि हर आने जाने वाले से मेरी बुराई करें। कौन था वो? उससे तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है। मेरा रिश्ता? हाँ बेटी। अरे रे, मुझे वो पसंद नहीं, आप मना कर दो। ये तो उसने पहले से कह दिया। इसके आगे मैं क्या कहूँ? उसने ऐसा कहा, अब क्या करूँ? वो लड़की का हाथ नहीं देंगे। क्यों बोला? वचन का हमेशा पक्का रहना चाहिए। बेशक। उस लड़की की शादी कभी नहीं होगी। पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं? हमारे संबंध को तोड़ा है उसने, उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? तो बेचारी क्या करेगी? मठवासिनी बनेगी। वो हिंदू लड़की है तो मीरा की तरह किसी मंदिर में जाकर भजन गाने के लिए बोलो। मतलब मेरी शादी होगी नहीं? दूसरा उपाय देता हूँ। दूसरा उपाय? स्वामी 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 स्वामी। पिताजी, ये क्या दूसरा उपाय है कहकर आपने माला पहन लिया? सारा काम बिना रुकावट के हो जाए इसलिए माला पहना हूँ। पिताजी, जवानी में आप नास्तिक थे क्योंकि आपके खून गर्म थे उन दोनों में, अब बुढ़ापे में जब खून ठंडा हो गया तो आप माला पहनकर स्वामी जी बन गए। ए, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, फिलहाल मैं माला पहना हूँ, तुम मुझे स्वामी करके बुलाओगे? मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? 25 साल से आपको पिताजी बुला रहा हूँ, अब स्वामी जी कैसे बुलाऊंगा? ए, ये दिल लगी मस्करी वगैरह छोड़ो, ये ईश्वर का मामला है, चलो मेरे साथ। पिताजी, क्या पिताजी? कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए ईश्वर को भी पटाना पड़ता है। आजकल आप कुछ ज्यादा ही भक्ति दिखा रहे हैं। ए, सीधे जाओ। सीधे? अपना घर तो लेफ्ट में है। मैं जानता हूँ, तुम सीधे जाओ। सुनिए पिताजी, मंदिर से सीधे घर जाना चाहिए, ना कि कहीं और। ए, बात मत कर, सीधे जाओ। सीधे जाएंगे तो आनी मेरे का बारी आएगा, स्वामियों के लिए अलग से क्लास भी है। क्या लोग इस हद तक गिर गए बेटे? गिरे नहीं, विकास बोलिए। हाँ, जगह आ गई। रोको रोको। यहाँ? यहाँ क्यों रोकने के लिए बोल रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है, उतरो। आखिर बात क्या है, बोलिए ना पिताजी। सब अच्छे के लिए है बेटे, आ जाओ। कैसी है? बाप रिटायर हो गए जानते हो, और उस वक्त मुझे एक मोटी रकम मिली थी। उसका क्या किया जानते हो? देखो हरीश, आखिर कब तक तुम प्लेटफॉर्म पर किताब बेचते रहोगे? वहां से तुम यहाँ शिफ्ट कर लो, पीछे ऊपर हर जगह घर बना सकते हैं। ट्विनन, आजकल सब लोग इसी तरह कर रहे हैं। मेरे पास भी काम नहीं है, जब भी बोर होऊंगा तो मैं तुम्हारी दुकान में आके किताब पढ़ते रहूंगा। अच्छी जगह है, छोड़ना नहीं, ऐसा बोलकर दबाव डाल रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसे खरीद लिया, तुम्हें पसंद है ना? हरीश, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आती है। तुम भी मुझे याद रखे इसलिए इस बूढ़े बाप की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। खुश हो ना? शुरू हो गए हैं, जाके स्वागत कर। आइए सर, ये दुकान किसकी है? अपुन की सर। ये बिल्डिंग? ये भी अपुन की है सर। ये धंधा कब से कर रहा है? ये क्या बोल रहा है साहब? हम अगर विदेश में रहेंगे तो हमारी जमीन को तू हथियाएगा? ऐसे कितने लोग निकल पड़े हैं साहब? अपुन को समझा नहीं। तू समझा नहीं? मेरी जमीन को तू तेरा कह रहा है? साहब, हमने पैसे देके खरीदी है ये दुकान। मेरी जमीन को तूने किससे ली?
अभी खाली करो मेरी दुकान वरना सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अचानक खाली करने बोलेगा तो कहाँ जाएगा फोन? पिछले हफ्ते हमने इसे खरीदी है और हमारे पास दस्तावेज भी है। दस्तावेज को गोली मारना, दिन दहाड़े लूट रहा है। सर आप चाहे तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाके चेक कर सकते हैं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, तू मुझे मत सिखा, उससे जाकर पूछ जिसे तेरे बाप ने पैसे दिए थे। तेरे जैसे कई ठग मैंने देखे अपनी जिंदगी में, अभी जाके सारा सामान बाहर फेंक। प्लीज सर, मेरी बात हट। सर प्लीज सर, छोड़िए सर। अरे हट सर, हट सर, जगह महेंद्र के नाम पर ही है, उसी नाम से किसी ने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर भेज दिया। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर भेज दिया? अरे रजिस्ट्री तुम्हारे ऑफिस में तो हुई थी ना, और डॉक्यूमेंट भी तुमने ही बना के दिए थे। खतरा रजिस्ट्री यही हुई है, आने वाला धोखा देने वाला है किसको पता है, वो सब तुम्हें देखना है। किसी फ्रॉड ने तुम्हें धोखा दिया तो मेरे गिरेबान क्यों पकड़ता है? अब जाओ, पहले जाके उससे पकड़ो जिसने तुम्हारे बाप को धोखा दिया। सर सर सर, मेरे बाप की सारी जमा पूंजी उस दुकान में चली गई। तो मैं क्या करूं? तुम उससे जाके पूछो जिसे तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे। बेटे ये कोई नई बात नहीं है, हमारे देश में ये सब तो होते ही रहता है। देखो पैसों के लिए सिर्फ घर और जमीन ही नहीं, तालाब नहर इतना ही क्यों, सागर का भी पट्टा बनाकर ये लोग बेच डालेंगे और उससे संबंधित कागजात हमारे ऑफिस में ही तैयार करते हैं ये, और उस कमाई का एक हिस्सा तिरुपति बालाजी के हुंडी में डाल देते हैं, भगवान को भी रिश्वत देके खरीद लेते हैं। लानत है। देखो बेटे, जिसने तुमको धोखा दिया उससे तुम पैसे निकालने की कोशिश करो वरना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर किताब बेचते रहोगे, वहाँ से तुम यहाँ शिफ्ट कर लो, ऊपर नीचे हर जगह घर बना सकते हैं, तो मैं तुम्हारी दुकान में आके किताब पढ़ते रहूंगा। हरीश, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आती है, तुम भी मुझे याद रखे इसलिए इस बूढ़े बाप की तरफ से एक छोटी सी भेंट, इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, खुश होना। और डॉक्यूमेंट भी तुमने ही बना के दिए थे।
भगवान को भी रिश्वत देके खरीद लेते हैं। देखो बेटे, जिसने तुमको धोखा दिया उससे तुम पैसे निकालने की कोशिश करो। आखिर आज तुम लोगों को बिजली रवि की जरूरत पड़ी गई ना। 20 साल के राजनीति कैरियर में तुम जैसे महान कार्यकर्ताओं की जरूरत थी मुझे। तुम चिंता मत करो, अगर अपुन ने चाहा तो अरे स्टेट क्या सेंटर को भी हिला के रख देंगे। मुझे देखते ही संसद के द्वार खुल जाते हैं। आवास मंत्री मेरे दोस्त हैं, सीधे जाके एक आवेदन पत्र देंगे, सारा मामला खत्म। कहाँ आए हैं? मंत्री जी से मिलना है। मंत्री को देखना है तो सचिवालय जाओ, बिन बुलाए बराती की तरह यहाँ मत आओ, ये घर है। नेताजी जरा खोल के दिखाइए, पावर दिखाइए। यही मेरा पहचान पत्र है। ये ताश का जोकर भवन पत्ते लेके क्या कर रहा है? कहीं सड़क छाप ज्योतिषी तो नहीं? You don't know about me. Life is misery file. अच्छा अच्छा है। मिनिस्टर जी से मिलने के लिए दिल्ली से बिजली रवि पधार रहे हैं। मिनिस्टर जी से मिलने के बाद शाम की फ्लाइट से इन्हें पुणे भी जाना है। हाँ? तरक्की हो रही है, जल्दी बड़े आदमी बनोगे। ओके। दिल्ली से पहले क्यों नहीं बताया? चलिए आइए। लगता है अकल से पैदल है। ये भी एक समस्या है, इनकी तो यही आदत है। ये तो बता, तू जनरल सेक्रेटरी है क्या? नहीं। तो फिर सेक्रेटरी हो? नहीं जी। तो फिर काउंसलर हो? कतई नहीं। वार्ड मेंबर? वो भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है, फंडा मार रहा था। बता आखिर कौन हो? आपका असली सेवक हूँ। और वो दोनों? ये दोनों आपके भविष्य के सेवक हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में सेवक बहुत हैं। अब तुम ही बताओ इन तीनों को कहाँ रखूंगा मैं। यही तो। हाँ, समस्या तो हर किसी को होती है। आवास समस्या, छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं मिली वो समस्या, नल में पानी नहीं वो समस्या, घर में बिजली नहीं है वो भी एक समस्या। इस तरह की छोटी समस्या लेके मेरे पास मत आया करो। देश से जुड़ी कोई समस्या है तो बोलो, पार्टी की समस्या है तो बोलो। ये क्या यार? जाना जाना। सर, आवास मंत्री आप हैं इसलिए आपके पास आया हूँ। इसलिए विशाल घर बना के रखा हूँ, लेकिन होम मिनिस्टर तो नहीं हूँ ना। किस लिए पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार, VAO, इन्हें किस लिए नियुक्त किए हैं और किस लिए इन सबको सरकार तनख्वाह देती है तुम जानते हो? तुम जैसे किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए समस्या का समाधान करना ही उनका काम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम पहले जाके उन्हीं से मिलो। इन छोटे छोटे कामों के लिए मेरे पास आना छोड़ दो, समझ गए ना? हाँ। मंत्री जी ने बोल दिया ना, अब निकल लो यहाँ से। तुम हमसे अंग्रेजी में बात करता है? तुम हमको अंग्रेजी सिखाओगे? अब मैं तुमको सिखाता हूँ। गेट आउट लेडी इडियट, ये रास्ता यू गो डेली। आवास मंत्री के चमचे और प्राइम मिनिस्टर की तरह बात कर रहे हो? चश्मा उतारना मत वरना कौवे चोंच मार देंगे। शेर को ललकारा है, मेरे राजनीतिक कैरियर में आज तक इस तरह की बिजली नहीं गिरी मुझ पे। गिरी नहीं है बे, अभी गिराते हैं। अरे बेवड़े, तेरी बातों से अपन को लगा था कि तू दिल्ली का ठग है, और अपन ने इससे बोला भी था। सुनो, आज के बाद तू इस इलाके में भी नजर आया तो अपन तुझे काट के वर्ली के गटर में फेंक देगा। साले आठ आने की मुर्गी बारह आने का मसाला। कहाँ से मिला ये नमूना? ये क्या स्वामी जी सड़क पे खड़े होकर किक मारे जा रहे? सर जी क्या प्रॉब्लम है? देख रही हो ना, किक मार रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही। ये बात है, मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, तुम कैसे ठीक करोगी? तो क्या हुआ, जमाना तो लड़कियों का ही है सर, लड़कियाँ मर्दों से कुछ कम नहीं है। इसमें तो कार्बन जमा है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? नहीं होगी ना। आप नहीं समझेंगे। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि मेरी तरह कोई बेटी नहीं है आपकी। अगर होती तो ये सब संभालती वो। वही तो नहीं है ना, छोड़ो। खैर सही वक्त पर पहुंच गई मैं। आप जैसे बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी गाड़ी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके बच्चे बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। इसी इलाके में बोल रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों की परवरिश आसान नहीं है, ये हर माँ बाप के बस का काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है। ये पिताजी से क्या बातें कर रही है? अरे रुको, आखिर आपकी औलाद है, आप ही का तो नाम रोशन करेगी। आई बात समझ में? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर एक मिनट सर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे तुम पसंद नहीं, फिर क्यों मेरे आगे पीछे डोल रहे हो? कौन मैं? फिर भोंदू बाप की बात सुनकर मेरा हाथ मांगने मेरे घर तक चले आए, उसके बाद खुद ही बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, ये कोई तरीका है? और मैंने तुम्हें नापसंद किया तो मेरे पीछे पड़े हो? फुटले
फुटले फुटले कह रही हो ना, पब्लिक प्लेस में किसी लड़की को फॉलो करना फिर उसे तंग करना ये कोई अच्छी बात नहीं है फुटना। सर बेहुदा लड़का है सर, मैं इसे कुछ दिनों से जानती हूँ, इसका दोष नहीं है इसके बाप का दोष है। हे राम। ये शक्ल से ही चोर लगता है सर। ए फुटता है या पुलिस को बुलाऊं? फुटना। पिताजी क्या हुआ? पिताजी लेने के देने पड़ गए, मैं फिर मिलती हूँ सर। ये भी लड़की है, लड़की के नाम पर कलंक है ये। ए तुम्हें संभालने के लिए वो लड़की अकेली काफी है। हाँ पिताजी, जब भी देखो मेरे पीछे लगे रहते हैं। गाड़ी ठीक है या नहीं देखो, उसने इसे और भी खराब कर दी होगी। वो जगह आपकी जगह है सर, किसी ने पिताजी को धोखा देकर उसे बेच दिए सर। मेरे पिताजी ने अपने पीएफ के पैसों से ही उस दुकान को मेरे लिए खरीदी है सर। आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा मेरे पिताजी ने, अगर कहीं उन्हें पता चल गया सह नहीं पाएंगे सर। इसकी खबर उन्हें नहीं होनी चाहिए सर। जब तक उस फर्जी मालिक को ना पकड़ूं तब तक के लिए मुझे दुकान खोलने की अनुमति चाहिए सर। प्लीज़ सर मदद कीजिए सर, मेरे पिताजी की खातिर प्लीज़ सर। आइए सर। यही तुम्हारे पिताजी हैं? जी हाँ सर। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, औरंगजेब परीक्षा पेपर और वो उत्तर। क्या उत्तर लिखा है इसने? सवाल क्या है? औरंगजेब की जिंदगी के बारे में लिखो। हैं? लिखा है कि सचमुच मैं औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पिता हरनाम सिंह के बारे में जानता हूँ, पढ़ाई मेरे दिमाग में घुस नहीं रही, इसलिए मुझे उत्तीर्ण करा दीजिए मास्टर जी, उसके लिए इनाम अगले पन्ने पर रख दिया हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, पास मार्क डालने के लिए कह के रिश्वत दे रहा है मुझे, बेहया। पास मार्क डालने के लिए बोला था, आप मुझे मरने के लिए विवश कर रहे हैं। मेरे हाथ में छड़ी नहीं है बेटे, अब क्या कर रहे हो बेटे? मलेशिया में मेरी अपनी दुकान है सर, वही प्रोविजन स्टोर। आप कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, पिछले महीने रिटायर हुआ हूँ, पीएफ के पैसों से इसके लिए एक दुकान खरीद के ली, फर्ज को निभाया इसलिए बहुत खुश हूँ। मेहनत की कमाई को फिजूल में खर्च न करके बीवी बच्चों के नाम पे जमीन या घर खरीद लो, कमाना बड़ी बात नहीं है लेकिन कमाई के पैसों को कहाँ और किस पे निवेश करना है वही बड़ी बात है। बेटे महेंद्र, मेरी जान पहचान के रियल एस्टेट वाले बहुत लोग हैं और उनमें से गणेश बहुत होशियार है, इसके लिए दुकान उसी ने मुझे दिलाई। तुम्हारे पिताजी को चुना लगाने वाले कमीने का नाम है गणेश, सबसे पहले उसे दबोचो और इस तरह कितनों को धोखा दिया है उसका पता लगाओ। मैं यहाँ और 20 दिन रहूंगा, तब तक तुम पूरा मामला निपटा दो और इसकी खबर पिताजी को होने नहीं देंगे हम। अगर मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ गणेश कौन है? गणेश तो बहुत है यहाँ, लम्बा गणेश, नाटा गणेश, मोटा गणेश, कौन सा गणेश चाहिए? जो घर बेचता है। अरे अपना वो गणेश, वो अंदर बाएं तरफ बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर दिए हैं, पहले आप पैसे लेके आइए, 12 बजे सब आ जाएंगे। सर ये घर बेचने वाला गणेश कौन है? मजाक कर रहे क्या? जिसे तू बाहर बात कर रहा था वही तो गणेश है, इस जगह पकड़ो ना। सर जी कोई मुझे ढूंढ के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया, मैं क्या करूं? साले और कितना बोझना लगाएगा, आज तेरी खैर नहीं। तूने मेरे पिताजी को धोखा दिया, मुझे क्यों मारे? गरीबों के साथ खेलेगा? आज तुझे छोड़ो, मेरे मुझे मेरे पिताजी को धोखा देता है, आज के बाद तू किसी को धोखा नहीं देगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे बाप रे, क्यों मुझे मार रहा पागल? छोड़ो मुझे, अरे कोई तो मुझे बचाओ भाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। भाई कहाँ भाग रहा है? बचा
तुम शांत रहो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, साहब बाहर गए। सुनो, तुम्हें जो कुछ भी कहना हमें लिखित रूप में दे दो, साहब आते ही एफआईआर दर्ज कर देंगे। हे, एक पेपर लाओ। साहब, आपका दोस्त चीटिंग केस में फंस गया, पीड़ित से कंप्लेन लेकर मैंने उसे कल आने को कहा है, कहीं लेने के देने ना पड़े। भैया, कोर्ट कचहरी जाओगे तो तुम्हें ही परेशानी होगी, तुम पहचान के हो इसलिए बोल रहा हूँ, कल हम सुलह कर लेंगे, अभी तुम जाओ। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, अरे बाप रे बाप, 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 अरे क्यों रे, लोगों को धोखा दे रहा है तेरी जात का, और टोपी बनाएगा, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, कितने पैसे हैं तेरे पास, ए चल उठ, सारा पैसा कहाँ गया है, है? इससे पैसों की उम्मीद मत करना, ये साला जुए में खर्च कर दिया होगा, ऊपर से ये साला बेवड़ा भी है, है? तुझे ये चेन और अंगूठी की क्या जरूरत है, अरे जल्दी से उतारना, उतार। मेरे ख्याल से ये चेन और अंगूठी लेकर तुम मामले को यही निपटा दो, है ये खरा सोना है या फिर कवरिंग है, सब खरा सोना है भाई, है ये थोपड़ा है। और चेन और अंगूठी मांगता है, ये लो भाई फिलहाल ये रख लो, दो तीन दिन के बाद मुझसे आके मिलना, मामला निपटा देंगे, अम्मा यार ले ले। तू कौन है, ए, ए, इसे मुझे ए, थाम बा। देखो भेड़ो, पंगा नहीं, फिलहाल इससे काम चला ले, नहीं तो तुझे और तेरे बाप को अपन टपका देगा। फूल देता है ये बिचौलिया है, इसने अपन को जमीन बेची है, पता है तू काहे को बीच में बोलता है, भीड़ो तू नहीं जानता, खैर अभी जाओ, दो दिन के बाद आना, अपन को किसने धोखा दिया ये जानना है, उससे मिलना है, अपन ने बोला ना दो दिन के बाद आना, जा। इस बीच ये फरार हो गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। क्या भाई, ये लौंडा धमकी देके जा रहा है और तुम खामोश हो, ए, ए, दूध पीता बच्चा है वो क्या करेगा। बुक्स फॉर सेल, अरे ये तो झांसी रानी का घर है, पता नहीं अब कौन आया होगा, हाँ ये क्या, आखिर में कूड़ा नहीं है, ओ गॉड, तुझे कहा था ना कि अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा, फिर क्यों आया है, बुक्स के लिए जो आपने इश्तेहार दिए हैं, ओ बुक्स लेने के लिए आए हो, कोई समस्या तो नहीं है ना, तुझे देखते ही मेरी सिटी पिटी घुम हो जाती है, बुक्स आर देयर, कम कम, थोड़ी तकलीफ होगी सहन कर लेना, बहुत सारी किताबें हैं, तुझे जो किताब चाहिए वो तू ले लेना, मुझे थोड़ी डस्ट एलर्जी है, मैं दूर चला जाता हूँ, ठीक है सर आप जा सकते हैं। देखो बेटे, हाँ, तुझे कोई मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सर चाय कॉफी मिलेगी, बगल की दुकान में सब कुछ मिलता है लेकिन उधार नहीं मिलता, उंगली दी तो कलाई पकड़ता है, छूट दे तो विस्की ब्रांडी। अरे भाई ये तो रसवंती है, अंधेरी रात में छमिया दरवाजा खोलकर, ये क्या पढ़ रहा है हरीश, इस जमाने की लड़कियां तो खराब हो चुकी हैं लेकिन लड़कों से अकलमंद है। ये क्या कर रही है, और ये गाना सिचुएशन को और गर्म कर रहा है। देखा ये क्या हरी, जो नहीं देखना चाहिए था वही देख रहा है, परवाह नहीं, जरा सोच के देखो, तुम्हारे जैसे अच्छे बंदे कभी गलती नहीं करते, इस तरह के फ्री शो को देखकर तुम बस मजा लूट ले यार हरीश, कोई बात नहीं अपनी आंखें खोल के देख लो, एक बार देख तो सही। अरे कहाँ गायब हो गई, जल्दी सीन खत्म हो गया, छी सुंदर सीन का मजा नहीं ले सका, छी। लॉफ्ट में एक लड़का है वो चला गया क्या, लॉफ्ट में लड़का बैठा है, कौन हो सकता है, सीधे से पूछना जवाब भी नहीं दे रही है,
देखा मैंने देखा सपनों की तू है? सुनो मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं है तो अंदर आते ही मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अरे अरे मैं तो आवाज देने वाला था लेकिन आपने कपड़े खोल दिए इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया मैंने आपको। उतर तू यहाँ। अरे अरे मैंने थोड़ा देखा पूरा नहीं देखा। ए उठना। मैंने ये क्या? अबे उठना। तू ऊपर चढ़िए भला मैं कैसे उठूंगा? ए यू उठ अबे उठना। उठ गया। सीधा खड़ा हो। हमाम छी निकल बाहर। चल निकल बाहर। मैंने देखा। क्या है यहाँ? जो कुछ हुआ उसे देखकर पता चलता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चल निकल यहाँ से। ठीक है जाता हूँ। देखा मैंने देखा सपनों की रानी को। हाँ आओ आओ आओ। क्यों सारी बुक्स देख ली ना? हाँ देख ली। जो भी बुक चाहिए ले ले लेकिन एक शर्त, मैं किसी बुक का पैसा नहीं लूंगा। गरीब छात्रों में बांट देना। वो मुमकिन नहीं सर। क्यों? टू एंड फ्रो ऑटो चार्ज, ऊपर से अपन की सर्विस चार्ज, कुल मिलाकर 200 रुपए। कुछ तो लेना पड़ेगा ना सर। परवाह नहीं बिजनेसमैन बन गए हो। काफी अकलमंद है। जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। आपकी पसंद के मुताबिक आपकी बेटी के लिए मैंने सुंदर वर ढूंढ निकाला है। कोई बुरी आदत तो नहीं है ना? अरे रे चाय तक पीता नहीं। हाँ। अंधेरी रात में अगर दिया लेके ढूंढेंगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। मैं खुद उसे लेकर आऊंगा सर। ठीक है लेके आना। खबर लेती हूँ तो सर क्या मैं किताबों को लेके जा सकता हूँ? तो मैं आगे चाहूंगा सर। ओके सर। हाथ बहुत हिला रहा है। अरे अरे सांप। ए सांप नहीं मैं हूँ। तुम हो? एक मिनट वहीं रुको मैं अभी आई। अपन इसके घर का नौकर है क्या? ए अकल से पैदल। तुमने ऊपर कहा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मेरे पापा से कह रहे थे कि वर ढूंढ लिया। तो क्या हुआ? भोंदू कहीं के तुम्हारे कहे मुताबिक अगर मुझे तुमसे लव हो गया तो लव करो। तुम्हारे लाए हुए उस वर से मेरी शादी हो गई तो बेशक कर लो। तुम शादी उसे कर लेना और लव मुझसे। नो प्रॉब्लम टू इन वन। ओह नो वो लव नहीं होता अपराध है यानी धोखा देना। बेचारा दूल्हे को परेशानी नहीं होगी तो तुम क्यों हो रही हो? क्या कह रहे हो तुम? ऐसे ही किसी गुलाम को तेरा दूल्हा बनाऊंगा ना मैं। गुलाम और मेरा दूल्हा? हाँ भाई कोई तुम्हारा पति नहीं बन सकता। पति की ड्यूटी निभा सकता है। मैं एक सच्चाई जानना चाहती हूँ। अब क्या है? तुम जिसे लाने वाले हो वो दूल्हा है कि दल्ला? अरे ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो। ए रुको। बेटे तुमने जिस बिचौले से जमीन खरीदी है उसी से मैंने भी जमीन खरीदी है। उसी विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। गाड़ी में बैठो वापस यहीं लाके छोड़ दूंगा। खून पसीने की कमाई से जमीन लेना चाहता था लेकिन उसमें भी इतनी सारी मुसीबतें। अगर हम एकजुट होकर उनके पास जाके पैसा मांगे तो शायद वो पैसा वापस कर दे। मैं पैसे लेने ही जा रहा हूँ। ले लीजिए। बेटे हम तो कोई भगवान नहीं है कि दूसरों को जाके सुधारे। कोई पाप करे उससे हमें क्या, ना पैसा लेके खामोश हो जाएंगे। आपके इसी सोच की वजह से ही आज मेरा ये हाल है। अगर अपन ने भी ऐसा सोचा होता तो कोई और धोखा खाता। बेटे गलती करने वाला तो गलती करता ही रहेगा भले तुम लाख सुधार लो उसे। मेरी बात मानो हम चुपचाप अपना पैसा लेके चले जाते हैं। बोलने वाला तू कौन होता है? अबे उधर उधर गाड़ी से। बेटे की तरह समझा रहा और तू है कि समझ नहीं रहा है? तेरी किस्मत में भटकना लिखा था जा भटक।
प्रोजेक्ट को विनायका रियल एस्टेट वाले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। 10,000 रुपए देकर फ्लैट बुक कर सकते हैं और उनके फंक्शन को मुझे कवर करना है। विनायका रियल एस्टेट कौन है? एमडी का नाम है क्यों बे, मेरे बारे पता लगा लिया ना? तू कौन है? शमशेर सिंह, विनायक रियल एस्टेट ओनर। समस्या का समाधान कैसे करना नहीं जानते हो? अब उनको दूध से मिलना है। तुम मुझसे मिल नहीं सकते। तू क्या खुदा है? नहीं, क्रिएटर हूँ। जो पैसा दे रहा उसे चुपचाप लेके चले जाओ। क्या क्या कर लेगा? तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों धमकी दे रहा है? तेरे साथ कौन आया है? हेलो, तेरा दोस्त अभी वहाँ नहीं होगा। अब भरोसा हुआ? अब एक कॉन्फ्रेंस कॉल। नटराज कहाँ हो? निजाम पेट में भाई। निजाम पेट में कहाँ? बैंक में हूँ। वहाँ कौन है? हरीश का बाप आया। ओह नो, उन्हें कुछ मत करो। ए ए, अब उनके बाप को कुछ मत करो। पैसा लेके भागने वाला है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। मेरे पैसे लेके भाग रहा है। पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। सर प्लीज सर, अपन के बाप को कुछ मत करना। सर प्लीज सर, प्लीज सर। ओह गॉड, सर प्लीज सर, प्लीज सर। पकड़ो पैसे, मेरे पैसे। सर पकड़ो। क्या पैसा? पैसा गया तो वापस मिलेगा, मगर जान गई ना तो नहीं मिलेगी। हमें सावधान रहना है, चलता हूँ। ये लो भाई। हाँ भाई, अपन ने बुढ़ाऊ को समझा दिया है, लौंडे को आप समझाइए। तेरे बाप की जान ले सकता था, क्यों छोड़ दिया पता है? ताकि तू मुझे जान सके। तू साला क्रिएटर है ना, आगे भेज रहा अपन से। तेरी जिंदगी पतंगे की तरह है, मुझसे भिड़ने के लिए बोल रहा था ना, आइंदा मुझसे भिड़ना मत। ए, तुम दोनों बाप बेटे को आज ही टपका सकता था, लेकिन अपुन किसी को टपकाना नहीं चाहता। सबको टपका के अपुन धंधा किसके साथ करेगा? हाँ, आइंदा अपुन की लाइन में टांग मत रहना। तुझे अपुन ने बख्श दिया, बोला ना जा जी ले। बोल रहे हो 10,000 रुपए में घर का प्लॉट? हमने तुम्हें 5 कस्टमर पकड़ के दिया तो हमारा प्लॉट बिल्कुल फ्री। बेशक, बिजनेस में इसे MLM कहते हैं, यानी कि ये एक चेन सिस्टम है। इससे पहले शैम्पू, साबुन, पेस्ट वगैरह बेचा करते थे हम। पहली बार गरीबों के लिए अपन ने ये योजना बनाई है। ओहो। सरकार हमारे शहर में 2 करोड़ लोगों को रहने के लिए घर नहीं है और घर बनाने के लिए खुद की जमीन चाहिए। इसका उद्घाटन आप ही करेंगे और स्कीम का नाम है स्वप्न घर जमीन योजना। कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और इस योजना का श्री गणेश मेरे ही क्षेत्र से कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र की बातों में हर पल तैयार हूँ। उद्घाटन कब है बताइए, मैं आ जाऊंगा। तारीख नोट करके मुझे याद दिलाना। जी हाँ सर। अब आगे जाता हूँ, बहुत शुक्रिया। कलियों
से सीख ले तू जीना, जो खिले पर है पुष्प ये कहलाती। कलियों से सीख ले तू जीना, जो खिले पर है पुष्प ये कहलाती। ये पुष्प कहीं है कुछ ले जाते, कुछ अर्थी पर रखे जाते, कुछ देवों के चरणों तक जाते। ये पुष्प कहीं है कुछ ले जाते, कुछ अर्थी पर रखे जाते, कुछ देवों के चरणों तक जाते। कलियों से सीख ले तू जीना, जो खिले पर है पुष्प ये कहलाती। कलियों से सीख ले तू जीना, जो खिले पर है पुष्प ये कहलाती। दर्शन करके दिल को कितना भी बहला ले, फिर भी है बेचैनी। भटके हैं पागल बनवा, जो इस दिल को चोट है देता, ढूंढता है तू उसका डेरा, कहाँ छुपा वो जालिम। हमेशा नैना ढूंढे उसको, हिम्मत से जीना ही सीखा है हमने तो, पूरा भी कर लेंगे जीवन में सपनों को, तब तकदीरों को कोसे क्यों भला। है जीवन अपना फूलों सा खिला, तब तकदीरों को कोसे क्यों भला। है जीवन अपना फूलों सा खिला। कलियों से सीख ले तू जीना, जो खिलने पर है पुष्प ये कहलाती। देखा तुमने पोस्टर पब्लिसिटी कितने लगे हुए हैं? पहले तो कुछ नहीं था, अब तो पूरे हिंदुस्तान को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। मंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। गरीबों को बचाने के लिए हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इससे कुछ नहीं होगा, हम पत्थर का जवाब तोप से देंगे, तोप से। नमस्कार हुजूर, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। नाम है बदरी, रहने वाला यूपी का है, एरिया आजमगढ़, दिलेर के गांव का है। मेरा रिश्तेदार है। इसका काम है बंदूक बनाना, दाने बनाना और बम बांधना और लोगों को सप्लाई करना। बम्बई में जितने भाई लोग हैं सबको यही सप्लाई करता है। सप्लाई करता हूँ। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा अच्छा? था। नहीं यार, अपुन के खातिर। अरे अपुन तुम्हारा दोस्त है यार, वो भी मदद करेगा और हम भी मदद करेंगे। हम लोग एक ही फुटपाथ के है ना। हम फुटपाथी है इसलिए हम दर्द जानते हैं। उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे हरीश। मास्टर जी और उमा को तुम संभालो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी साथ हूँ। जीऊंगा तो सच्चाई के लिए, मरूंगा तो सच्चाई के लिए, ये मेरा वचन है। इसे टक्कर मार रही थी, सारे फसाद की जड़ यही है। बच्चों को भी लाइसेंस इश्यू करते हैं क्या? दे रहे हैं इसीलिए ना टक्कर मारी। ये उनकी गलती नहीं है, एक पेपर लाइए। भैया तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, एक बार कंप्लेन देने का नतीजा तुमने आँखों से देख ही लिया ना। अब कंप्लेन किसके नाम पे है? इसे हाथ में रखो अपने, महावीर दिशा वही, ओम शांति शांति शांति। ये सब ले जा करके वहाँ नर्मदा गोदावरी के नाम लेकर के समर्पित करो, इसे जल में प्रवाहित कर दो। ओम हरे माधव। महा
किसी को छेड़ा है तुझे भी कोई छेड़ेगा। अरे सांबा उखाड़ता हूँ तेरा खंबा। हेलो सांबा हो क्या? हाँ मैं सांबा बोल रहा हूँ। क्या भी तू मर गया और मुझे बताया भी नहीं? क्या कहा मर गया? भाई क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर के सामने की जो दीवार है वो उसकी पुस्तकें बोल रही है। वहाँ पोस्टर किसने चिपकाया? ये नेक काम मैंने किया है। तो फोन पे कौन है? और वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। क्यों मैं हंसते हुए फोटो नहीं खींचा सकता? चोर की तरह लग रहा है। आना आजा 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 रुक बे आजा 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 अरे आजा 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 भाग रहा है रुकना आजा आजा हरीश वो आ गया। अरे बेवकूफ दरवाजा बंद कर। हेलो हेलो मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सलाम साहब। आज सवेरे से सांबा और गणेश लापता है, FIR दर्ज के बिना उन्हें ढूंढो। ठीक है साहब। उतार दो नहीं तो अब तू सचमुच में मरने वाला है। ए रस्सी छोड़ना, मरने दे। सारी सच्चाई बताता हूँ, उतार दो मुझे। अरे क्या करने वाले हो तुम लोग? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सच नहीं बताएगा तो सच में मरेगा तू। ए दिल्ली हरियाणा आ गया, उसके हर छत में बम फिट कर दिया ना। अब तक फटा नहीं, ये मेरा बम था क्या? सच बता दूंगा, सच बता दूंगा। कई दिनों से बंद घर का बहुत अच्छी तरह मुआयना करते हैं, उस घर का कोई वारिस है या नहीं इसका पता लगाता हूँ। वो हमारे शहर में रहता है या विदेश में रहता है इसका भी पता लगाता हूँ। अगर घर लावारिस हो उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं हम लोग। अति समस्या खड़ी हुई तो इसके जैसे गुंडों से कहकर कुछ पैसे खिलाकर समस्या का समाधान कर लेते हैं। ऐसे ही महिंदर की दुकान अपन को बेचा ना। तेरे मालिक ने दुकान भी नहीं दी और पैसे भी नहीं लौटाया। ध्यान से सुन, अंधेरी के महावीर स्ट्रीट में 15 नंबर का मकान बहुत दिनों से खाली पड़ेला है। मकान मालिक के बच्चे विदेश में, मकान मालिक अकेला है, तू आराम से हैंडल कर सकता है। हाँ ये ले, बोलने के लिए बोलो। ए, चल बोल। हेलो कौन? किरण माला जी। हाँ उस मकान को बेच दो। हमें पैसा मिल गया। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। एवरीथिंग ओके, काम हो जाएगा भाई। एवरीथिंग ओके। ₹10,000 में जमीन और पट्टा। आप 5 लोगों को इसमें भर्ती कराइए तो आपके ₹10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ये आप जैसे उन गरीब लोगों के लिए बनाई हुई एक स्कीम है और आप जानते हैं कि इसका उद्घाटन मंत्री महोदय करेंगे और आपके गांव में आप ही हमारे एजेंट बनके काम करेंगे। उससे संबंधित दस्तावेज आपके घर खुद पहुंच जाएंगे। इस योजना से संबंधित फिल्म आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी शक हो तो हमारे अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हाँ। आपने जितना भी पैसा वसूल किया उसे जमा करके हमारे ऑफिस से रसीद ले ले, ये मेरी विनती है। फर्जी लोगों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है। विनायका रियल एस्टेट, मेहनत से उठेंगे, जिएंगे और जीने देंगे। आइए हमारे स्वप्न घर योजना का पहला चरण, पुणे एयरपोर्ट के पास तकरीबन 18 एकड़ जमीन पर इमारत बनने वाली है और इस योजना का उद्घाटन हमारे आवास मंत्री सदाशिव राव जी अपने कर कमलों से कर चुके हैं। बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक सुंदर पार्क, ज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालय और एक भव्य मंदिर, एक शानदार होटल और हर 2 मिनट में बस सेवाएं।
आप आज ही और अभी एक फ्लैट बुक कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत ही बदल देगा यह विनायक रियल एस्टेट। गोविंदा गोविंदा। ऐसे सीन दिखाकर आप लोगों को चूना लगाने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, एक न एक दिन देखिए आपको भी चूना लगाने वाले। गोविंदा गोविंदा। आपको पता नहीं वो सरकार की जमीन है और सरकार उसे ले लेगी। गोविंदा गोविंदा। हाय रे हाय, हाय रे हाय। हाय क्रिएटर। हाय तुम। हाय सुन के इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तू क्लाइमेक्स देखने वाला है। मच्छर समझ के हाथ रखा और शेर के मुंह में हाथ पाया, तू क्या पुन को बख्शेगा? तुझे तो खुदा भी नहीं बख्शेगा शमशेर। जैसे कुछ ऐसा मिला, कैसा मजा आया। इसने आपको जोकर बना दिया मालिक। तू क्या, तेरा पाप भी मुझे। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मालिक। सारे फलाद की जड़ तू ही है। और क्या क्या उगला बोल, अबे बोल ना क्या क्या उगला। इस तरह हिला हिला के क्यों पूछ रहे हैं? अरे बम पे बिठा के सारा सच उगलवा लिया मालिक। क्या मतलब, तुमने सब कुछ उगल दिया? एक और सच बताना पड़ा मालिक। वो क्या है? इस योजना को पास करने के लिए मंत्री ने 2 करोड़ लिए, वो मैं भी जानता हूँ। गोविंदा गोविंदा। इस योजना को पास कराने के लिए आवास मंत्री सदाशिव राव ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस सिलसिले में आज विपक्षी दल ने संसद में हंगामा करके मंत्री सदाशिव राव की गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश। ये क्या, एक ही खबर को बार बार दिखा के मुझे जूते मार रहे हैं? क्या करेंगे, चिल्लर अमाउंट तो आप हमें दिलाते हैं, अरबों खरबों आप खुद डकार जाते हैं मालिक। ए मैंने तो पैसा ही नहीं लिया। हाँ मान लिया मैंने। हेलो हेलो, मंत्री जी हैं? मंत्री जी यहीं पर हैं, गमछा हटा के बात कीजिए। हेलो, पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। सर जी बोलिए। 2 करोड़ में से आप 30% पार्टी फंड के लिए दे दो। अरे ये क्या, मैंने तो पैसा ही नहीं लिया। फोन टेप करेगा इसी ऐसे कहते हो, सारी बात टीवी पे आ गई है। शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। क्यों ठीक है ना? ओहो मैंने तो पैसे ही नहीं लिए। हेलो हेलो, मैं एडवोकेट भंडारी बोल रहा हूँ। 2 करोड़ का मामला है ना, बात कीजिए। ऊपर से ये भी फंसा रहा है। हेलो, इस केस के बारे में आप बेफिक्र रहिए सर, केस डिसमिस कर देंगे सर। आपका केस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल अवस्थी देख रहे हैं सर, उनकी फीस है 25 लाख रुपए। ओए मैंने तो पैसे ही नहीं लिए। इसे कोर्ट में हम साबित कर देंगे सर, और हर मंत्री पैसे लेने के बाद यही कहते हैं। अरे अरे मेरा तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो धोखा जो दिया है। ये क्या, टीवी देखकर आ रही हूँ, आपने 2 करोड़ रुपए लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसकी कमी थी ये भी आ गई। आपने मुझे भी नहीं बताया, अंधेरी वाला बंगला हम खरीद लें क्या? ए, इससे पहले कि मैं कातिल बनूं, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। वैसे भी आपने मेरी बात कब मानी है? मैं चली मैं के स्वप्न घर योजना बोल के इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। उनका पता ढूंढ निकाल के अंदर कर देते हैं मालिक। कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफिस, वी आर गोइंग टू रेडियो ऑफिस। यही है उनका ऑफिस, यहाँ से कोई आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा। कौन है शमशेर सिंह, कहाँ पे रहता है, देख लेंगे उसे भी। मंत्री जी के साथ खिलवाड़ करेगा, मट्टी में मिला दूंगा। कौन है वे तू? इनकम टैक्स ऑफिसर। तू कौन है? इनकम टैक्स। तुम्हारा शमशेर से क्या संबंध है? उस 2 करोड़ के बारे में तुम कुछ जानते हो? क्या शमशेर कहाँ रहता है ये तुम जानते हो? शेर सिंह से कह के शमशेर सिंह से मिलवाने लाए हो? अरे निकल लो पत्ती गली से। अरे जल्दी से गाड़ी दौड़ा। अब किसका फोन है? हेलो मालिक, शमशेर से मिलने गया तो वहाँ इनकम टैक्स के बब्बर शेर खड़े हैं। वो बब्बर शेर मुझसे पूछताछ करने लगे, मैं फौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गया।
दो करोड़ देने वाले का जब ये हाल है तो दो करोड़ लेने वाले का क्या होगा? अबे मैंने पैसे लिए ही नहीं। अब बार बार वही रामायण मत दोहराओ। इनकम टैक्स वाले छापा तो मारेंगे ही, क्योंकि सनी की साढ़े साथ ही आप पर सवाल है। आपने गरीबी में ईमानदारी से जो कमाया था वो सब भी ये उठा कर ले जाएंगे, अच्छी सफाई करेंगे। ए, अब क्या करने के लिए बोल रहे हो? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, लेकिन वो आप नहीं करोगे। कोट शर्ट उतार के आप जाके गेस्ट हाउस में छुप जाइए। मैं दो तीन दिन के अंदर शमशेर को पकड़ करके आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। हम ये फाइल लेके जा रहे हैं, बॉस से कहना कि ऑफिस में आके हमसे मिले। संडे छुट्टी है सर, और आज रमजान भी है, तीन दिन की छुट्टी है सर। हमारे ऑफिस में रेड होगी, इसका कोई चांस नहीं है। आपको किसी ने धोखा दिया है? धोखा दिया? हेलो। हाँ बेटे, कैसा है? तू है? तेरा बाप ही हूँ। तूने जो डॉक्यूमेंट लेकर गया ना, उसे तू मुझे फंसा नहीं सकता, क्योंकि अपन कोई भी काम डायरेक्ट डील नहीं करता। उसके बावजूद तू कोर्ट कचहरी गया तो कोई वादा नहीं है, 10 साल तक केस चलता रहेगा, लेकिन अपन 10 घंटे के अंदर केस को खारिज करवा देगा। तू 10 घंटे की बात कर रहा है, अपन तुझे 10 सेकंड में उठवा देगा। क्यों, धमकी देता है? नहीं नहीं नहीं, वो सब तेरा काम है, अपन तो सीधा डीलिंग करता है। ये बता, तू किसके साथ आया है? तेरे चमचों के साथ ना। अब जरा पीछे मुड़ के जीप की हालत तो देख। hey! तू सिक्योरिटी से बात कर रहा था ना, उसी टाइम अपुन ने ये कमाल किया, तुझे ही हम लोग पहुंचाना था। अपुन भी तेरी तरह है, खून खराब है, अपुन को पसंद नहीं। तू किससे पंगा ले रहा पता है ना? हाँ भाई, तू दाऊद का भाई है जो अपुन को खा जाएगा। तू हूल देना बंद करके चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। हाय हाय, ए ए, खोटी आवाज नहीं, कुछ बोला तो लुड़का दूंगा। गाड़ी में बैठ। हाय हाय, तुम लोग निकलो, निकलो जल्दी, बोल अपुन गाड़ी में बैठ गया ना। तेरे किसी चमचे ने फॉलो किया तो समझ ले तू खलास। कोई फॉलो नहीं करेगा, तू बोल ना। एक काम कर, तू सीधे शांतिनगर की ओर जा। शांतिनगर जाओ, शांतिनगर जाओ, जाओ। तू ही कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता है, अपन भी कर सकता है, ये देख। हाँ बोल हरीश। हाँ बिजली भाई, पीए को फोन दो ना। हाँ बात करो। कौन हरीश? शांतिनगर की ओर जाओ, सीधे शांतिनगर जाओ। ए क्रिएटर, तू भी सीधे जाना। ए, सीधे जाओ, सीधे जाओ, स्ट्रेट स्ट्रेट। हाँ पीए, तू राइट की ओर जा। हाँ ड्राइवर, राइट। हाँ क्रिएटर, तू लेफ्ट की ओर जा। लेफ्ट जाओ, लेफ्ट 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 जाओ, लेफ्ट। पीए तू भी लेफ्ट लेना। हाँ हाँ, तुम भी लेफ्ट लो। शांतिनगर पहुंच गया ना? शांतिनगर पहुंच गया, बोल। काय को टेंशन ले रहा है? भैया गाड़ी को फर्स्ट सेक्टर लेके जा। हे फर्स्ट सेक्टर में चलो। क्रिएटर तू भी फर्स्ट सेक्टर की ओर जा। फर्स्ट सेक्टर जाओ, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। भैया सामने लाल रंग की कार दिख रही है ना? हाँ, यहाँ पर तो कोई कार नहीं दिख रही। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्रिएटर सामने कॉलेज दिख रहा है ना? हाँ हाँ देख रहा हूँ, आगे बोल। ये सामने आने वाला शमशेर है, 2 करोड़ का चुना लगाने वाला, पकड़ लो। अरे पकड़ने का क्या, आज तुम उसका जान तमाम कर दूंगा। मंगा ले रहा, बहुत मंगी पड़ेगी, बोल दिया। विधानसभा में हंगामा करते, चुना लगाते, तू हम लोगों को चुना लगाएगा? हाँ थैंक्स हरीश, मंत्री जी से कह के मैं तुम्हें एमएलए बनवाऊंगा। वो सब बाद में, शमशेर को छोड़ना नहीं, वो बड़ा खड़ूस है। एमएलए बनेगा? सारे फसाद की जड़ वो हरीश ही है। क्या कहा, हरीश? हाँ भाई, घर दिला के इसे धोखा दिया ना। समस्या लेके जब मंत्री के घर आए थे तब सुने थे क्या, इसलिए तुम लोगों की हवा बंद कर दी उसने। ए, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? अबे छोड़ना, मंत्री गेस्ट हाउस में इसकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, अगवा करने का काम अब तो शुरू हो गया। इन्फॉर्मेशन दी, अगवा करना हमारा काम है, तुमने कैसे किया? राजनीति में सब कुछ जाया जाए। फिलहाल हरीश कहाँ है? हरीश कहाँ है, क्या कर रहा है, किसको बता? hey, जहाँ की सारी खुशी मिल गई मुझे, मिनका रंबा जैसे मिल गई। समय पे पैर कहाँ रुकते हैं, मुझे तालो सुर की खान मिल गई। दिल ने चाहा जिसे वो ही मुझे मिल गया, प्यार के तोहफे से तो आज मैं हिल गया। दिल में तू बस गई, आज लॉटरी खुल गई मेरी। झटके ये देख के उसे मेरे राल टपकी है। परवा है आज किसे, दुनिया की ओ जाना है। परवा है आज किसे, दुनिया की ओ जाना। जहाँ की सारी खुशी मिल गई मुझे, शाहरुख सलमान जैसे मिल गया। समय पे प्यार कहाँ रुकते हैं, मुझे तालो सुर के खान मिल गए। दिल ने चाहा जैसे वो ही मुझे मिल गया, प्यार के तोहफे से तो आज
तुमको मेरी जान की कसम, अब छोड़ोगे न साथ सनम। प्यार जहां ले जाएगा जाएंगे हम उन राहों पर, कांटे अगर हो राह में अब रुकेंगे ना एक कदम। प्यार के दीप जला के सनम, अरे कर देंगे रोशन जहां को सनम। फिदा दिल मेरा मस्ती का रस पीने दे। प्यार के तू फिंग बढ़ा, आजा मेरे बाहों में तू। परवाह है आज किसे दुनिया की हो जाना, परवाह है आज किसे दुनिया की हो जाना। नाचने को मन, अरे रुक नहीं आज ये कदम। हे जग से चुरा लूंगी तुझे, दिल में छुपा लूंगी तुझे, तुम तो मेरे चाहो सनम, ना छोड़ूंगे साथ सनम। हे बाहों में तेरी मैं खो जाऊंगा, जैसे बादल में चंदा समा जाता है। मेरी बाहों में तुझको जन्नत दिखा दूंगा मैं। हाँ मेरी बाहों में तुझको जन्नत दिखा दूंगी मैं। परवाह है आज किसे दुनिया की हो जाना, जमा जमा। परवाह है आज किसे जमा जमा दुनिया की हो जाना। ए जहाँ की सारी खुशी मिल गई मुझे, शाहरुख सलमान जैसा मिल गया। समय पे पैर कहाँ रुकते हैं मुझे, दिल ने चाहा जिसे वो ही मुझे मिल गया। प्यार के तोहफे से तो आज मैं हिल गई, दिल में तू बस गई, आज लॉटरी खुल गई मेरी। नया आशिया दिल के अब तो बस आएंगे। परवाह है आज किसे दुनिया की हो जाना, परवाह है आज किसे दुनिया की हो जाना। ए जब गली मंजिल आ गई है, जल्दी उतरो। तुम्हें मौका मिलते ही तुम ख्वाबों में खो जाती हो, चलो उतर रहता है। ए, जब भी देखो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सलामत रहो, सलामत रहो। अच्छा सिला दिया, जीने कहाँ दे रहे हैं, चूहे की तरह बिल में घुसा दिया छुपने के लिए। सर कुछ लोग आवेदन लेकर आए हैं। आवेदन लेने के लिए यहाँ भी आ गए, क्वालिस कार में आए हैं, हो सकता कोई अच्छी क्वालिटी वाले होंगे। खैर उन्हें आने दो, हालत भी ठीक नहीं है, जाते जाते लाइट डाल देना। अरे नमस्ते। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम आवेदन पत्र देने के लिए आए हो, मुझे लगता है तुम किसी अस्पताल से आ रहे हो। सर वो वो ये है, आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ठीक है, आखिर बात क्या है ये तो बताओ। नमस्कार, मुख्य समाचार। कल रात लगभग 9 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने 2 करोड़ रुपए घूस लेने वाले आवास मंत्री श्री सदाशिव राव को उनके बंगले से अगवा करके शहर से दूर ले गए हैं। पुलिस की एक टीम अपहरणकर्ता की तलाश में निकल चुकी है। देखा तुमने बेटा, यहाँ मैं अपने गेस्ट हाउस में आराम कर रहा हूँ, इन मीडिया वालों को अफवाह उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं मिला है। वो अफवाह नहीं, सही बोल रहे हैं। और वो अज्ञात लोग हम ही है सर। मजाक कर रहे हो, इमरजेंसी के दौरान हाथ में फूटी कोड़ी नहीं थी फिर भी पुलिस वालों को चकमा देता रहा मैं। पुलिस वाले मुझे ढूंढते रहे और उनकी पूरी कार्रवाई को इसी तरह गेस्ट हाउस में बैठ के मैं यहीं से देख रहा था। हाँ बिना सुरक्षा के मैं बैठूंगा क्या? ए आओ आओ मेरे बच्चों आओ। ए, ये बच्चे मुझे अगवा करने आए हैं, इन्हें सबक सिखा दो। अच्छा सदाशिव राव, ये क्या, मैं एक मंत्री हूँ और मेरा नाम लेके बुला रहे हो तुम?
वही तेरा नाम है ना, मंत्री हो या संतरी? तुम्हारी परेशानी क्या है, हमेशा मुझ पे क्यों निशाना साधते हो? अपन को धोखा देने वाले वो शमशेर, सांबा और गणेश, और फिर इस लिस्ट में जितने भी अफसर हैं, वो सब कल सुबह कोर्ट पहुंचने चाहिए। कल आवास मंत्री सदाशिव कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं, इसकी खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। yes, कोर्ट के आसपास जितनी भी छोटी मोटी दुकानें हैं उनको हटा देंगे सर। हटाओ मत, लोगों को खामखा शक हो जाएगा, उन्हें वहीं पर रहने दो, वो सारी दुकानें हमारे कंट्रोल में रहेंगी। कल जब तक केस खत्म होके हम मिनिस्टर को अपनी कस्टडी में नहीं लेते, हम सबको अलर्ट रहना होगा। ओके ओके सर। कल हरीश कोर्ट आने वाला है, उसे और उसके साथियों को कोर्ट के सामने ही टपका देना तुम लोग। हरीश मंत्री के साथ किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। ओके सर, आप एक इज्जतदार मंत्री हैं और आपको इस तरह कोर्ट के पिछवाड़े से लेके जाना? इज्जत की किसको परवाह, हमें तो काम होने से मतलब है। सर माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ। अरे अरे, ये सब कुछ नहीं बेटे, हम तो विधानसभा में इससे भी बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। जरा अंदर तो चलो, मेरे साथ दिखा। बहुत खूब, चलिए सर। अरे रुक क्यों गए मेरे भाइयों, जारी रखो, मैं भविष्य का मंत्री हूँ। मुंह क्या देख रहे हैं मंत्री जी, पीछे के रास्ते से कोर्ट पहुंच चुके हैं। बोल दादा, वो हम सबको उल्लू बना के कोर्ट के पिछवाड़े से अंदर चला गया। घर खरीदने की परेशानी की वजह से तुमने काम किया। खैर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। 15 घर मिले तो एक गली, 15 गलियां मिले तो एक नगर, 15 नगर मिले तो एक गांव। कई गांवों को मिलाया तो एक जिला, फिर राज्य, वो तो ठीक है। अच्छा, उसके लिए तुमने मंत्री पर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का इल्जाम लगाकर उनका अपहरण भी किया। अगर अपहरण किया होता तो इन्हें कोर्ट में कैसे लाता? योर ऑनर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जज साहब, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया है, ये सब तो बकवास है। नहीं, अफवाह है। इसने मुझे कोर्ट में बुलाया और मैं आ गया, बस इतना ही। ठीक है, उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? मैं चाहता हूँ कि सब लोग सच्चाई को जाने, क्योंकि ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। घर की अहमियत तो वही जानता है जिसका अपना घर नहीं होता। जिंदगी भर जो भाड़े के घर में रहता है, वही जानता है अपने घर की अहमियत। एक छोटी सी खोली में माँ बाप, पति पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से बेडरूम में जो जीता है ना, वो जानता है अपने घर की अहमियत क्या है। एक घर बना के उसकी दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में अपने माँ बाप या फिर भगवान का नाम लिखकर जो जी रहे हैं ना, वो जानते हैं अपने घर की अहमियत। मेहनत की कमाई से या फिर लोन लेकर खुद का घर बनाने वाले वो मिडिल क्लास फैमिली ही जानते हैं अपने घर की अहमियत। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। किसी और का घर मुझे बेचकर धोखा दिया है ये शमशेर और उसके साथियों ने। इन लोगों ने और कितनों को धोखा दिया होगा ये मैं नहीं जानता। योर ऑनर, घर को मैंने नहीं बल्कि मेरे नौकरों ने बेचा है। ये तो सफेद झूठ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं शान से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। जब इसने धोखा खाया तो ये सबको धोखे में रखकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, शहर में 2 घर मैंने भी लिए, लेकिन मुझे किसी ने आज तक धोखा नहीं दिया। यहाँ तक शमशेर से भी मैंने घर लिए हैं। अभी कैसे पता चलेगा, जब 6-7 महीने के बाद सरकार जमीन पर कब्जा करेगी तब पता चलेगा। सरकारी जमीन खरीद ली, सारा पैसा लूट गया। हाय राम, मैं तो लूट गया कह के छाती पीटते रहोगे। क्या डायलॉग मारा है यार, सारे पॉइंट्स मैंने दिए हैं। कौन तू? और से देखा जाए ये सब तो इनकी कल्पना है योर ऑनर। ये कल्पना नहीं, हकीकत है योर ऑनर। अंधेरी के महावीर स्ट्रीट में जो 15 नंबर का मकान है वो खाली है। हाँ बेशक, वो मेरा ही घर है, मेरे पिताजी ने बनाया था, बहुत ही लकी मकान है। और वो लकी मकान अब मेरा है। अब मुझे ही शिकार बना रहे हो? शिकार नहीं बना रहा योर ऑनर, ये देखिए असली दस्तावेज हैं, इन्होंने बना के दिए हैं। एवरीथिंग ओके। जज का घर? किसको पता था, उत्सुक थे और नाम लक्ष्मण। उस दिन उसने डरा धमका कर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बोला, अभी मालूम पड़ा कि वो घर जज का है। मेरे हस्ताक्षर से हूबहू मिल रहा है ये। सर जब आपकी ये हालत है तो हम जैसे आम लोगों के बारे में जरा सोच के देखिए। इसका शमशेर सिंह से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। है योर ऑनर, और थोड़ा वक्त देंगे, ये रियल एस्टेट बिजनेस के अलावा कहां कहां पर कितनों को चूना लगाया है मैं बता सकता हूं योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। 2001 में कोल्हापुर में
नंदना चिटफंड के नाम से लगभग 15 करोड़ रुपए हत्या के मासूम लोगों को धोखा देने वाला धोखेबाज है ये। और मथुरा में 2004 में दूसरे नाम से चिट कंपनी खोलकर और लगभग 25 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले हैं ये बिजनेसमैन। आगरा के गरीब लोगों को हाउसिंग लोन दिलाने का झांसा देखकर 15 करोड़ का चूना लगाया है और पुख्ता सबूत भी है मेरे पास। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा मत कीजिए, वकील साहब बताइए ना। सर, इनके खिलाफ कई सारे सबूत हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं साबित कर सकता हूँ योर ऑनर। ओके, प्रोसीड। आराम आराम। हाजिर हो कोल्हापुर के कुणाल और राजेंद्र। ये साजिश है जैसा आप, ना ये लोग झूठ बोले जैसा आप, मेरा विश्वास कीजिए जैसा आप, प्लीज। पांडे जी, मथुरा के पांडे जी आइए ना। ये सब क्या? हाँ मथुरा में इसी ने हमें प्लॉट बेचा था, इसी ने हमें धोखा दिया था मथुरा में। आगरा के भाइयों आइए आइए, यही है ना वो। ये वही वो चोर, इसे मत छोड़िए, इसने हमें धोखा दिया, सजा दीजिए। जैसा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की साजिश है ये, आप इनका भरोसा मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए जैसा, भरोसा मत कीजिए प्लीज। मैं आज तक आगरा नहीं गया जैसा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कसम से बोल रहा जैसा, मैं ना तो कोल्हापुर गया ना ही मथुरा गया, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा जैसा, मैंने किसी को 50 या 100 करके चुना नहीं लगाया जैसा, और मैं आज तक मुंबई छोड़ के कहीं भी नहीं गया जैसा, अगर मैंने किसी को चुना लगाया तो मुंबई वाला बोल। साहब इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई को डकार कर इसने हमें धोखा दिया है सर, इसे सजा होनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, सुनो ये धोखाधड़ी का मामला है, इसे हम यूं नहीं जाने देंगे, सब लोग शांत हो जाइए। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, इनके मुंह से जुर्म कबूल करवाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि इनके स्वप्न घर जैसे स्कीम में कोई पैसा लगाए, इसलिए मैंने ये सब किया, अगर मैं अकेले ये केस लड़ता तो मेरी हार हो जाती, और आप भी तारीख पे तारीख देके मुझे और दुखी करते, और ये साफ बच गया होता, इसलिए मुझे मंत्री महोदय को भी इस केस में शामिल करना पड़ा, लिहाजा मंत्री महोदय से और इस अदालत से मैं माफी चाहता हूँ। आपका मंत्री पद बरकरार है? आजकल व्यवसाय के मुकाबले में कम पैसे में ज्यादा मुनाफा देने वाला धंधा, यही नहीं ज्यादा रोजगारी देने वाला धंधा, सच पूछो तो रियल एस्टेट ही है। इस सिलसिले में जनता को जागरूक रहने के लिए दिन ब दिन अखबार में रियल एस्टेट से संबंधित कई खबरें छपती है। कसूरवार विनायका रियल एस्टेट के मालिक श्री शमशेर सिंह ने भले ही अपनी गलतियों को कबूल कर लिया हो, लिहाजा ये कोर्ट उन्हें और उनके साथियों को धोखा देने के मामले में और उनका साथ देने वाले सरकारी अफसरों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है ये कोर्ट। बोलिए, जज साहब कोर्ट से सीधा घर ही जाने वाले हैं, आप सीधे उनके घर ही आ जाइए। केवल यही नहीं, इस केस में हरीश और उनके दोस्तों ने कानून का उल्लंघन किया है, कोर्ट अच्छी तरह से जानती है, लिहाजा उनके अपराधों के लिए तीनों को 5,000 रुपया जुर्माना भरने का हुक्म देकर ये कोर्ट उन्हें रिहा करती है, तथा इस केस का आखिरी फैसला कल ही होगा। सक्सेस। आप खुद अपने जाल में फंस गए सर। राजनीति में बड़े बड़े पैंतरे खेले हैं मैंने, इन्होंने तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। चलो डोंट मूव, अगर कोई आगे आया तो मैं इस जज को शूट कर दूंगा। आई विल शूट दिस जज। जज खल्लास। हे इंस्पेक्टर, अपने आदमी को बोलो कि पीछे जाए, पीछे। हे हे हे, पीछे।
गाड़ी स्टार्ट कर, चल चल बे, गाड़ी में बैठ, जल्दी गाड़ी चला। सर मैं अभी आया सर। एए, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। सर किसी ने पंचर कर दिया है सर। पंचर कर दिया? हाँ सर। ये क्या बोल रहा तू? एए, क्या हुआ? सर किसी ने टायर निकाल दिया सर। तेरी तो जज का किडनैप हो गया है। सिटी के सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो, TN091000 एम्बेसडर कार के साथ जज को किडनैप कर लिया है। जज साहब की कार। हेलो हेलो, शांतिनगर सिग्नल। यस सर। शांतिनगर सिग्नल से ही जज को वो ले जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। गाड़ी को मैंने जाने की अनुमति दे दी। शिट। हेलो सर, पुलिस आपको फॉलो कर रही है। ओह नो शिट। ए कहाँ है तुम लोग? भाई आपकी गाड़ी के पीछे ही आ रहे हैं। क्या, जल्दी आना। ठीक है भाई। ए, 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 जल्दी से जल्द तो गाड़ी में बिठाओ, जल्दी, कम ऑन, एयरपोर्ट एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट फास्ट। मार,
बना देगा, चाचा का किडनैप करेगा। डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि वो जल्द से जल्द शमशेर सिंह की सारी जायदाद को बेचकर उन पैसों को उन लोगों को दे दे जिन्होंने घर खरीदने के लिए विनायका रियल एस्टेट को दिए थे, और साथ ही शमशेर सिंह को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत 10 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। क्यों हरीश, सारा मामला निपट गया ना? हाँ सर, दो दिन में आपकी दुकान खाली कर दूंगा। नहीं नहीं, उस दुकान को तुम ही रख लो सर, क्योंकि मेरे पास कई दुकानें हैं, उनमें से ये भी एक है। वो दुकान तुम्हारे पिताजी का सपना है, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी के सपनों को तोड़ना नहीं चाहूंगा। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब मुझे लौटा देना। सर बहुत शुक्रिया सर, सर यही मेरे पिताजी हैं। नमस्कार जी, आप अपने हाथों से ही ये क्या बेटा, मैं रिबन काटूं? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए सब कुछ है, और वही तुम्हारे भगवान भी है, और इन्हीं के पीछे हम सब हैं। इन्हीं के कर कमलों से उद्घाटन हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। लीजिए, काटिए। आपके रहते हुए मैं कैसे? नहीं नहीं, मना मत कीजिए, काटिए काटिए ना। कट कीजिए ना।